है, 32 पर है। ठीक है, मैंने असल में अभी जो नई स्टडी टेक्स्ट है ना उसको उस तरह से देखा नहीं है कि कौन सी चीज कौन से पेज पर है। ठीक है, तो मैं इसीलिए मैंने उधर सिर्फ फॉरन से स्किम किया उसको, एग्जाम्पल को वो मुझे उस टाइम उस जगह पे नजर नहीं आई, तो मैंने फिर भी व्हाट्सएप पे उसका इमेज भेज दिया। ठीक है, 2015 एडिशन है, उसमें पेज 32 पर है। अच्छा, पेज 32 पर है। ठीक है, मैं पैक क्वेश्चन बैंक में फिर उस हिसाब से दिया हुआ, लेकिन मैंने आपको नए एडिशन का बता दिया था, जो बीच वाला एडिशन था, 2019 का ओल्ड एडिशन जो था। ठीक है, उसमें वो पेज नंबर 22 पे था। वट एवर द केसेस, आई होप आप लोगों ने एग्जाम्पल देख ली होगी। ठीक है, और बेसिकली उसका ताल्लुक किस चीज से था, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। मैंने आपको कहा कि हम एक दफा खुद भी करेंगे वंस वी आर डन विद दिस होल चैप्टर। ठीक है, तो मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल, बेसिकली ये जो अभी डिस्कशन है ना, ये जेआईटी और एबीसी से पहले मैंने आप लोगों के साथ वो लेवल डिस्कस करने हैं। ठीक है, तो वो जो है चीज आप लोगों की इधर कवर हो जाती है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में किसी को कोई प्रॉब्लम ऐसा आना तो नहीं चाहिए था, लेकिन आ रहा है तो बता दें अभी। वैसे वो क्लियर आउट हो ही जाएगा जब मैं ग्राफिकली आपको खुद भी उसको आप लोगों से ही बल्कि हो सकता है ग्राफ्स में बनवाऊं। न्यू बुक में है जनाब। अच्छा जी, बिफोर आई फॉरगेट, खैर भूलूंगी तो मैं नहीं, लेकिन तो कोई बात नहीं हमजा, सेपरेटली मेंशन नहीं तो किसी चैप्टर के साथ, वो इन्वेंट्री मैनेजमेंट का चैप्टर मेरे ख्याल से इन्वेंट्री मैनेजमेंट के नाम से ही है। ठीक है, नहीं, कोर्स का कोई चेंज नहीं है। बेसिकली इन्होंने जो स्टडी टेक्स्ट, क्वेश्चन बैंक और एग्जामिनेबल सप्लीमेंट था ना, उन्होंने उन तीनों को मर्ज कर दिया है। अब उसमें उन्होंने मटेरियल चेंज किया है, बीच में कोई चीज उन्होंने नई एक्सप्लेनेटरी, मैंने जो थोड़ा सा देखा है उसमें, मैंने ये देखा है कि उसमें उन्होंने एग्जाम्पल्स वगैरह बड़े अच्छे तरीके से, मुझे तो थोड़ी अप्रोप्रिएट थोड़ा और ज्यादा अच्छा लगा है थोड़ा स्टडी टेक्स्ट। लेट्स सी के सिलेबस चेंज नहीं हुआ, सिलेबस चेंज इस तरह से नहीं, खामोशी से वो नहीं करेगा। ठीक है, और सिलेबस में चेंज का भी आपको आई होप रूल पता है कि भाई अगर वो कोई सिलेबस चेंज करता है तो वो अगली अटेम्प्ट में से किसी, मोस्ट प्रॉब्ली वो 6 months के बाद वाली अटेम्प्ट के लिए एप्लीकेबल होता है। ठीक है, वो ऐसा नहीं करेगा कि वो अभी और उसने सिलेबस चेंज कर दिया अभी बैठे बैठे। ठीक है, बहुत कम इस तरह से होता है कि वो कोई चीज है, वो कोई क्लैरिफिकेशन ला सकता है सिलेबस में कि भाई ये जो चीज हमने मेंशन की हुई है इसमें ये चीज इंक्लूडेड है, ये चीज इंक्लूडेड नहीं है, जैसे वो ला भी चुका है पिछले यहाँ से 2-3 अटेम्प्ट पहले। ठीक है, तो वो क्लैरिफिकेशन ला सकता है, लेकिन कोई इंटायरली नई चीज ऐड नहीं कर सकता आई कैप, ऑब्वियसली बात है, इट वुड नॉट बी फेयर, राइट। तो अच्छा जनाब, अब हम बड़ी एक इंटरेस्टिंग सी चीज पर आ रहे हैं। ठीक है, और वो इंटरेस्टिंग सी चीज क्या, अच्छा जी मैंने क्या कहना था, आप लोगों का टेस्ट वैसे तो टेस्ट प्लान के हिसाब से मंडे को ड्यू था, लेकिन ऑब्वियसली बात है मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि जब हम क्वेश्चन, जब टॉपिक्स पढ़ने पर आते हैं तो जाहिर सी बात है हमारा कोर्स कवरेज प्लान, कोशिश मैं सच्ची बात बताऊं बहुत कम मेरा फॉलो होता है। ठीक है, तो सीमैक में मैं कोशिश कर रही हूँ कि भाई थोड़ा सा मैं शुरू से ही जो है वो थोड़ा कोशिश करूंगी, थोड़ा रहे पेस, ऑब्वियसली बात है ऊपर नीचे हो जाती है कभी कभार स्टूडेंट्स को, आप लोगों में से बहुत देखा है ना आप लोगों ने होम असाइनमेंट पे कभी कभार टाइम निकल जाता है, राइट। तो मैंने ये भी नहीं करना कि अंडरस्टैंडिंग पे कॉम्प्रोमाइज हो। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग पे बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। तो अब आप लोगों का मंडे को गालबन टेस्ट ड्यू था, ठीक है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट का। आई हैव मूव्ड इट टू थर्सडे, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, फिर इसमें थोड़ा सा आप लोगों को कंफ्यूजन भी है, तो 4 दिन मैं आप लोगों को दे रही हूँ, संडे, मंडे, ट्यूसडे एंड वेंसडे, फॉर प्रिपरेशन ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट। अब जो टेस्ट आप लोगों का ड्यू है ऑन थर्सडे, उसके अंदर ये जो अभी हम जेआईटी और एबीसी कर रहे हैं, ये मैं मंडे को बताऊंगी कि भाई ये हम करते हैं नहीं करते, डिपेंडिंग अपॉन योर अंडरस्टैंडिंग लेवल। ठीक है, तो आप लोगों ने करना क्या है, कल आप लोगों का संडे है, संडे को आप लोगों ने ये नहीं करना कि ओ चैप्टर में अभी भी हम जेआईटी और एबीसी है वो मोस्ट प्रॉब्ली मंडे को कम्प्लीट करेंगे। ठीक है, तो ये नहीं कहना कि और चैप्टर तो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है तो मैं तैयारी भी जो है वो अभी नहीं करूंगी। ऑब्वियसली बात है जेआईटी और एबीसी तक से पहले तक का जितना भी आज तक हम करेंगे वो आपने उसकी तैयारी शुरू कर देनी है। ठीक है, तो जस्ट इन टाइम और एबीसी जो हमारा मैनेजमेंट तरीका है इन्वेंट्री मैनेजमेंट का, वो सिर्फ हम एक चीज नहीं जो है वो आज कर पाएंगे।
तो वो उसकी आपने तैयारी अभी नहीं करनी, सिंपल एज दैट। चले जी, तो अब जो हमने एक चीज देखनी है, अब मैं जरा चैट बॉक्स मिनिमाइज कर रही हूँ, ठीक है। ईओ क्यू हो चुका है, ईओ क्यू से अब हम आगे बढ़ चुके हैं। अब ईओ क्यू के बाद अब हम इन्वेंट्री लेवल्स पर आ चुके हैं, ठीक है। अब एक बड़ी मजे की चीज है, उसको जरा हम देखते हैं, ठीक है। थोड़े से एग्जाम्पल्स आप लोगों को लिखनी होंगी, उसमें आप लोगों को थोड़ा सा स्पीड अप करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा जी, हमने अभी तक क्या क्या चीजें देख ली हैं? हमने ये देखा कि हमने फॉर्मूलाज वगैरह देख लिया, फॉर्मूलाज अप्लाई करना, ऑब्वियसली बात है, क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन गिवन होगी तो फॉर्मूलाज को सिर्फ आपको अप्लाई करना है, और आपने कैलकुलेट कर लेनी है डिफरेंट इन्वेंट्री लेवल्स, ठीक है। अब ये इन्वेंट्री लेवल्स, दीज विल हेल्प द मैनेजमेंट टू, मतलब ये आप नॉर्मली अब होता क्या, प्रैक्टिकली इन चीजों को हम सिस्टम में फीड कर देते हैं। अब सिस्टम में आप मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर यूज करते हैं फॉर इन्वेंट्री मैनेजमेंट। पहले तो जैसे बताया, सच्ची सारी चीजें मैनुअली होती थी, ठीक है। एक बंदा बैठा होता होगा, पहले जमाने में जब कंप्यूटर्स यूज नहीं होते थे, उसको बता दिया जाता था कि भाई आपने मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल जो है वो होना है 15,700। तो जैसे ही हमारी इन्वेंट्री किसी भी पॉइंट इन टाइम पर अगर 15,700 यूनिट से ज्यादा हो जाएगी, तो आपने हमें सिग्नल करना है, आपने हमें वार्निंग इशू करनी है, फिर हम उस चीज को थोड़ा कंट्रोल करेंगे। लाइक वाइज अगर तो हम लोग का सेफ्टी स्टॉक मेंटेन करने का पॉलिसी है, तो आप लोगों आपने क्या करना है, आपने इस चीज को ख्याल रखना है कि 1500 यूनिट से कम नहीं होना चाहिए हमारा इन्वेंट्री लेवल। तो देयर मस्ट हैव बीन सम, ऑब्वियसली बात है, पर्सनल हु वाज रिस्पांसिबल टू लुक इनटू दीज मैटर्स एंड नोटिफाई द मैनेजमेंट और द कंसर्न पीपल इमीडिएटली, राइट। तो रीऑर्डर लेवल जब पहुंचता होगा तो कहता होगा जल्दी ऑर्डर प्लेस करना है, राइट। तो अब ये सारी चीजें जो है वो आप सिस्टम में, आप सॉफ्टवेयर मुख्तलिफ यूज करते हो, अकाउंटिंग के टूल्स यूज करते हो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए अलग सॉफ्टवेयर भी यूज होते हैं, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए अलग सॉफ्टवेयर यूज होते हैं, क्योंकि अब आपको पता है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग ये थोड़ी दोनों सेपरेट चीजें आ जाती हैं, राइट। तो ये सब चीजें जो है वो आप सिस्टम में फीड कर देते हो, और वो खुद ही जो है वो वार्निंग ट्रिगर कर देता है, या वो खुद ही ऑर्डर भी प्लेस कर सकता है, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, विद प्रॉपर अप्रूवल्स एंड ऑल, ठीक है जनाब। अब ये चीजें करने के बाद, अच्छा कल एक चीज में आप लोगों को कंफ्यूजन शायद हो रहा था, मोशन ने सवाल पूछा था कि मैम हम सेफ्टी स्टॉक, हमें क्या पता, जो हमने कल एग्जांपल की थी कि हमें क्या पता सेफ्टी स्टॉक है या नहीं, तो उसका एक जवाब ये है, मेरी बात याद रखिएगा। जहां पे पहली बात तो ये कि हमने ये चीज कल देखी थी कि अनसर्टेनिटी कहाँ पर होती है, याद है ना, मैंने आपको रीऑर्डर लेवल के दो दो तीन फॉर्मूलाज लिखवाए थे, उसमें मैंने आपको लिखवाया था कि अगर अनसर्टेनिटी हो, अगर लीड टाइम और डिमांड सर्टन हो तो ये करना है, लीड टाइम और डिमांड सर्टन ना हो तो ये करना है, राइट। तो फिर नहीं चल रहा, चले मैं इसको एक्सेस कर देती हूँ, ठीक है। तो आप लोगों ने इस बात का ख्याल रखना है कि अगर हमारे पास लीड टाइम या यूजेज, यानी कि जो डिमांड है हमारा, अगर इन दोनों चीजों में से, या तो दोनों चीजें या कोई एक चीज में इस तरह से इन्फॉर्मेशन दियो कि मिनिमम लीड टाइम या मिनिमम डिमांड इतना है, मैक्सिमम लीड टाइम मैक्सिमम डिमांड इतना है, और एवरेज या तो गिवन हो या फिर आपको कैलकुलेट करना हो, राइट। तो अगर ये इन्फॉर्मेशन दिया हुआ तो क्या मतलब है, इसका मतलब है लीड टाइम या डिमांड या दोनों चीजें अनसर्टन है ना। सर्टेनिटी तो तब होता है अगर क्वेश्चन में बताया जाता कि लीड टाइम इतना है, डिमांड इतना है, दैट्स इट, एक एक फिगर दी होती तो वो आपके पास क्या होता, वो सर्टन होता, राइट। तो अगर क्वेश्चन में अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व है, ठीक है, इफ क्वेश्चन इन्वॉल्व अनसर्टन लीड टाइम एंड और, दोनों में से कोई एक भी चीज जो है वो अनसर्टन हो, तो हम क्या कहेंगे, वी विल हैव टू मेंटेन सेफ्टी स्टॉक, ठीक है। ऑब्वियस ही बात है, यही तो पर्पस है सेफ्टी स्टॉक का, है ना। सेफ्टी स्टॉक का पर्पस क्या है, टू रूल आउट एनी अनसर्टनिटीज, टू अकाउंट फॉर एनी अनसर्टनिटीज इन द इन्वेंट्री लेवल्स। तो सेफ्टी स्टॉक इसका मतलब है कि फिर आपको आपकी मैनेजमेंट को करना ही करना है ताकि अनसर्टनिटी से वो बच जाए, ठीक है जी। आसिफ हुसैन, वालेकुम अस्सलाम, आप अभी आए हैं, कोई मसला, कोई क्वेश्चन तो नहीं है, सब
चलें जी, अब हमारे पास, हमने अभी जो एक दो सवाल जो देखे, हमने वैसे जो एग्जांपल्स देखी उसके अंदर लीड टाइम और डिमांड आपको क्वेश्चन में गिवन था, ठीक है? तो अब आपके पास क्या होगा, अब हमने क्या चीज यूज करना है, हो सकता है कि आपको वो एवरेज डिमांड जो है वो ना दे, एवरेज एवरेज डिमांड या एवरेज लीड टाइम ना दे, ठीक है? तो प्रोबेबिलिटीज हो सकता है कि हमें यूज करनी पड़े इन्वॉल्व इन लीड टाइम एंड और डिमांड या यूजेज, है ना? अब आपको पता है कि डिमांड या यूजेज दोनों इंटरचेंजेबल टर्म्स है, और डिमांड या यूजेज से मुराद हमारे फाइनल प्रोडक्ट की डिमांड नहीं है, हमने कितना रॉ मटेरियल इस्तेमाल करना है, ठीक है? या हमें कितना फिनिश्ड गुड्स परचेज करना है या चाहिए ताकि वहां हम आगे अपना सेल ऑफ कर सके, डिपेंडिंग ऑन वेदर वी आर अ डीलर और अ मैन्युफैक्चरर, ठीक है? तो अब ये सिनेरियो है कि अगर आपको क्वेश्चन में बहुत आसान तरीके से मिनिमम मैक्सिमम ना दिया हो, ठीक है, आपको बल्कि उन्होंने दे दिए हो मुख्तलिफ जो है वो पॉसिबिलिटीज दे दी हो, उनके साथ उनकी प्रोबेबिलिटीज दे दी हो, तो बेसिकली हम लोग फिर क्या करेंगे, एवरेज लीड टाइम या एवरेज डिमांड, अब हम लोग को फॉर्मूलाज में बहुत जगह पे एवरेज लीड टाइम या एवरेज डिमांड चाहिए होगा, राइट? तो एवरेज लीड टाइम या एवरेज डिमांड विल बी कैलकुलेटेड एज दी एक्सपेक्टेड वैल्यू. अब एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होता है, ये चीज आप लोगों ने अपने मैथ में भी पढ़ चुकी है, मैं, है ना? क्या करते हैं, सारी प्रोबेबिलिटीज को मल्टीप्लाई करते हैं उनके रिलेटेड आउटकम से, है ना, और एक फिगर निकालते हैं बेस्ड ऑन द प्रोबेबिलिटी, राइट? तो बिफोर वी गो ऑन, ऑब्वियसली बात है, हम एक जो है वो इसका भी एग्जाम्पल भी अभी करने जाते हैं, ठीक है? एग्जाम्पल भी करते हैं, उसमें सारी चीजें आपकी कवर हो जाएंगी, राइट? तो प्रोबेबिलिटीज जहां पे इन्वॉल्व होती है तो हमें क्या निकालना होगा, उनकी एक्सपेक्टेड वैल्यूज निकालनी होगी, राइट? या तो लीड टाइम की या डिमांड की हो सकता है, दोनों की हमें निकालनी पड़े, राइट? अब इसमें एक और चीज मैं आपको बता दूं, हो सकता है क्वेश्चन में वो एवरेज की बजाय नॉर्मल का टर्म यूज करें, ठीक है? तो जो टर्म मतलब आपका जो नॉर्मल लीड टाइम या नॉर्मल डिमांड अगर कहीं लिखा हो, या आपको कहा जाए कि आपने नॉर्मल लीड टाइम या नॉर्मल डिमांड निकालना है, तो नॉर्मल का मतलब बेसिकली एवरेज है, इज दैट क्लियर? ठीक है, ये चीज आपकी हो गई. अब प्रोबेबिलिटीज के अंदर ही हम एक चीज इन्वॉल्व करेंगे और वो है स्टॉक आउट कॉस्ट, राइट? स्टॉक आउट कॉस्ट क्या होती हैं, इस बात को जरा गौर से सुनिएगा. स्टॉक आउट कॉस्ट, अब हम देखिए स्टेप बाय स्टेप चीजों को लेकर चल रहे हैं ना, मैं जरा रिपीट करना चाहूंगी. हमने जब इन्वेंट्री मैनेजमेंट का चैप्टर स्टार्ट किया था तो मैंने आपको बताया था देयर आर फोर टाइप्स ऑफ कॉस्ट रिलेटेड टू इन्वेंट्रीज, है ना? परचेज कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड शॉर्टेज कॉस्ट या स्टॉक आउट कॉस्ट, राइट? फिर हमने जब ईओक्यू का काम शुरू किया तो हमने कहा कि परचेज कॉस्ट और स्टॉक आउट कॉस्ट को हमने टोटली इग्नोर कर देना है, द ओनली टू रेलिवेंट कॉस्ट रिक्वायर्ड फॉर डिसीजन मेकिंग इन ईओक्यू वुड बी ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट. यस और नो, द रेलिवेंट कॉस्ट थी हमारी डिसीजन मेकिंग के लिए. अकाउंटिंग हमने सारी कॉस्ट की करनी है, याद रखिएगा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में सारी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर सारी कॉस्ट की आपने कहीं ना कहीं अकाउंटिंग करनी है, राइट? कॉस्ट इन मैनेजमेंट अकाउंटिंग में डिसीजन मेकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से फिर हम रेलिवेंसी या इररेलेवेंसी देखते हैं, राइट? तो ईओक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने कहा कि ऑर्डर कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट या होल्डिंग कॉस्ट आर द ओनली टू रेलिवेंट कॉस्ट फॉर द टाइमिंग. फिर हमने क्या चीज इन्वॉल्व कर दी, हमने क्वेश्चंस में ले आए ट्विस्ट. हमने कहा कैसे जी, अगर ट्रेड डिस्काउंट इन्वॉल्व हो जाता है सिनेरियो में तो अब हमारी परचेज कॉस्ट भी रेलिवेंट कॉस्ट बन जाती है, यानी कि डिसीजन मेकिंग के टाइम पे अब हमने क्या करना है, परचेज कॉस्ट को भी कंसिडर करना है. यस और नो? तो फिर तीन हमने कॉस्ट इन्वॉल्व करना शुरू कर दी. अब हमारे पास जो चौथी टाइप ऑफ कॉस्ट हमारे पास रह गई थी, शॉर्टेज या स्टॉक आउट कॉस्ट, अब हम उस चीज को भी इन्वॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है? ईओक्यू में तो ऑब्वियसली बात है उसका कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का वो मांग सकता है, वो उसको किसी ना किसी तरीके से इन्वॉल्व जरूर कर सकता है, लेकिन अभी जो हम चीजों को देखेंगे वो थोड़ा डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखेंगे, ठीक है? तो अब स्टॉक आउट कॉस्ट होती क्या है, बेसिकली स्टॉक आउट कॉस्ट होता है कि जब आपका इन्वेंट्री शॉर्ट हो जाएगा तो आपको कितना उसके ऊपर कॉस्ट इनकर करना पड़ेगा. अब सवाल उठता है, इन्वेंट्री शॉर्ट हो रहा है उस पर कॉस्ट इनकर करने से क्या मुराद है? तो स्टॉक आउट कॉस्ट में बेसिकली होता है क्या, आपको सवाल में स्टॉक आउट कॉस्ट पर यूनिट दे दिया जाएगा, ठीक है? स्टॉक आउट कॉस्ट पर यूनिट आपको दिया हुआ होगा क्वेश्चन में, लेकिन साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं, क्वेश्चन में हो सकता है आपको क्या दिया हो,
समथिंग कॉल्ड कंट्रीब्यूशन मार्जिन. जी, कंट्रीब्यूशन मार्जिन क्या होता है? व्हाट इज सीएम? लेमैन टर्म्स में अगर बताएं तो प्रॉफिट समझ लें इसको, ठीक है? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ग्रॉस प्रॉफिट कह लें इसको, ठीक है? कंट्रीब्यूशन मार्जिन वेरिएबल, खैर ग्रॉस प्रॉफिट तो खैर नहीं है एग्जैक्टली, लेकिन बेसिकली क्या है एग्जैक्टली? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट. तो मुझे बात बताइए, अब आप लोग को अकाउंटिंग की थोड़ी बहुत समझ में आने लग गई है ना? अकाउंटिंग में अब आपको पता है कि जी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी कोई चीज होती है, यस और नो? तो बेसिकली क्या है ये शॉर्ट स्टॉक आउट कॉस्ट में एक चीज ये भी हो सकती है कि आप ये कहें कि भाई मैं जो कंट्रीब्यूशन कमा सकती थी अगर मेरे यूनिट पूरे होते, डिमांड के इक्वल होते, है ना, तो मैं जो कंट्रीब्यूशन कमा सकती थी और जो मैंने अभी लूज कर दिया, कंट्रीब्यूशन मार्जिन लॉस्ट, राइट? तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरे स्टॉक आउट कॉस्ट हो जाएगा. तो जितना ज्यादा मेरा शॉर्टेज होगा उतना ही मेरा प्रॉफिट फॉरगॉन होगा, यस और नो? उतना ही मेरा कंट्रीब्यूशन मार्जिन फॉरगॉन होगा और उतना ही मेरा क्या हो जाएगा, स्टॉक आउट कॉस्ट हो जाएगा, है ना? तो क्वेश्चन में हो सकता है आपको स्टॉक आउट कॉस्ट पर यूनिट दिया हो सकता है आपको कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट दिया हो, तो उससे आपने कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है? क्लियर हो गई बात? किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो चैट बॉक्स में क्वेश्चन अपना लिख दे और मैं फिर थोड़ी देर बाद उसको देख लूंगी, ठीक है? अच्छा जी, मैं जो FIR 1 इंट्रो में तो ये करती थी कि मैं सारे स्टूडेंट्स का नाम ले रही होती थी ताकि जो थोड़े तरोताजा रहे. तो मोहसिन, आकिफ, अब्दुल्ला, मुनीर, अहमद वलीद, अहमद शम्स, क्रिस्टल क्लियर है सबको? एमन, अनस, आसिफ, फैसल, फारूक, फरजीन, हफीज, जी जनाब, कोई प्रॉब्लम? सारे स्टूडेंट से मुझे जवाब रिस्पॉन्स नहीं रिसीव होता तो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप इसमें एटलीस्ट मुझे येस और नो करते रहे ताकि मुझे पता रहे कि आप लोग यहीं पर हैं, सोए हुए नहीं है. सुबह सुबह तो मेरे तरफ हो रही है, आप लोगों की तरफ तो अभी फिर भी काफी टाइम हो गया. हसनैन, आसिफ, हमजा, इमरान जी, अब्दुल्ला, क्लियर हो गई बात? मौजम, मोहम्मद बिलाल, मोहम्मद शाहरुख, मोहम्मद तौकीर, मुर्तजा, रोमा, सारिम, समरा, सना, शबनम, शाहजेब, सुंदर, उम्मे हबीबा एंड जेबा, क्रिस्टल क्लियर है? काफी स्टूडेंट्स अभी मेरे कहते कहते ही आए हैं. कंट्रीब्यूशन मार्जिन क्या होता है? कंट्रीब्यूशन मार्जिन होता है बेसिकली, ये हम आगे जाके पढ़ेंगे अभी, ठीक है? कंट्रीब्यूशन मार्जिन आपको सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट. आप रिकॉर्डिंग में देख लेना मोहम्मद शाहरुख, ठीक है? हम प्रॉब्लम अभी हमने कोई एग्जांपल ऐसे डिस्कस नहीं किया, स्टॉक आउट कॉस्ट के बारे में डिस्कस करना शुरू किया, ठीक है? तो बेसिकली आपको क्या निकालना है, स्टॉक आउट कॉस्ट पर पूरे मतलब टोटल स्टॉक आउट कॉस्ट जब आप निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला बेसिकली क्या होता है, जल्दी से इसको कॉपी कीजिए. स्टॉक आउट कॉस्ट पर यूनिट, दिस इज मल्टीप्लीकेशन का साइन, ठीक है? स्टॉक आउट कॉस्ट पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाय एवरेज स्टॉक आउट यूनिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ऑर्डर्स, ठीक है? तीन चीजें, स्टॉक आउट कॉस्ट पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाय कितने स्टॉक आउट यूनिट्स हुए, है ना, कितने यूनिट्स का शॉर्टेज हुआ, मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ऑर्डर्स. अब मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ऑर्डर्स की क्या, तो क्या है इसको जरा गौर से सुनिएगा. मेरे पास शॉर्टेज कब कब होगा, मेरे पास शॉर्टेज कब कब होगा, ये मुझे जरा सोचकर बताएं. जितनी दफा मैं ऑर्डर्स प्लेस करती हूँ, जितनी दफा मैं ऑर्डर्स प्लेस करती हूँ पूरे साल में, अब इसका क्या मतलब हुआ, गौर से सुनिएगा. मेरा रीऑर्डर लेवल पहुंचा पहली दफा साल में, ठीक है? मैंने फॉर एग्जांपल मैंने नया बिजनेस स्टार्ट किया, मैंने इन्वेंट्री परचेज की, एक ऑर्डर साइज मेरा फिक्स्ड है, मैंने इन्वेंट्री परचेज की, मेरे पास इन्वेंट्री आ गई, मैं उसको कंज्यूम करना शुरू हो गई प्रोडक्शन में, रॉ मटेरियल है मेरा वो, ठीक है? आहिस्ता आहिस्ता मेरा इन्वेंट्री लेवल कम होता गया, फिर मेरा रीऑर्डर लेवल पहुंच गया, ठीक है? रीऑर्डर लेवल पे मैं पहुंची तो मैंने फॉरन से ऑर्डर प्लेस कर दिया, ठीक है? अब हुआ क्या, हुआ ये कि मेरी इन्वेंट्री मैनेजमेंट में है थोड़े बहुत गड़बड़ क्या है वो कह सकते हैं कि जी मेरा सिनेरियो इसी तरीके से है, ठीक है? मैंने ऑर्डर प्लेस किया और लीड टाइम में मेरा क्या हो रहा है, मेरा लीड टाइम में भी कंजम्पशन हो रही है ना? लीड टाइम में भी मैं कंज्यूम करने, जितनी देर अभी ऑर्डर लग रही है आप और डिलीवर मुझे होने में, मैं कंजम्पशन मेरी जा रही है. हुआ क्या,
अब मेरे लीड टाइम में कंजम्पशन ऐसे हुई कि मेरे पास स्टॉक तो खत्म हो गया। अब मैं हाथे हाथ रख के बैठी हुई हूँ, अब मेरे पास हो रही है शॉर्टेज, है ना। अब मेरे पास क्या हो रही है, जो मुझे कंज्यूम करना है मेरे पास उतना इन्वेंट्री है ही नहीं। ठीक है, तो मैं अब हाथ पे हाथ रख के बैठी हुई हूँ, 3-4 दिन मुझे बगैर स्टॉक के गुजारा करना पड़ा, 3-4 दिन मेरा कंट्रीब्यूशन मार्जिन लूज होगा, यस और नो। फिर मेरे पास आ जाएगी डिलीवरी, ठीक है, ठीक है, मेरे पास फिर क्या आ जाएगी, डिलीवरी आ जाएगी, मेरे पास इन्वेंट्री वापस आ गया, मैंने इस्तेमाल फिर दोबारा करना शुरू कर दिया, फिर मेरा रीऑर्डर लेवल पहुंचा, फिर मैंने ऑर्डर प्लेस किया, लीड टाइम में कंजम्पशन होती गई होती गई होती गई, और इस तरीके से कंजम्पशन हो रही है कि फिर मेरा स्टॉक आउट हो गया, फिर मेरे पास शॉर्टेज हो गया। मैं फिर 3-4 दिन हाथ पे हाथ रख के बैठी हुई हूँ और मेरे पास शॉर्टेज पे शॉर्टेज होती जा रही है और मेरा कंट्रीब्यूशन मार्जिन लूज होता जा रहा है, तो स्टॉकआउट कॉस्ट मेरी फिर इनकर हो रही है। फिर मेरे पास क्या आ गया, डिलीवरी मुझे रिसीव हो गई, फिर मेरी इन्वेंट्री रिप्लेनिश हो गई और मैंने फिर कंज्यूम करना शुरू कर दिया। मेरा बात समझ में आ रही है? तो ये स्टॉकआउट कब कब होगा, मैं अगर ये कहूँ दिस स्टॉक आउट विल हैपन इक्विवेलेंट टू जो मैंने नंबर ऑफ ऑर्डर्स जितने प्लेस करने हैं पूरे साल में, ठीक है। तो अगर मैं 6 दफा ये सिनेरियो हो रहा है कि मुझे 6 दफा ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा पूरे साल में, तो 6 की 6 दफा मुझे स्टॉक आउट भी फेस करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि जब मैं ऑर्डर प्लेस करूंगी और लीड टाइम में ही बेसिकली मेरा स्टॉक आउट होता है, ठीक है। तो लीड टाइम मेरा कितनी दफा आएगा, लीड टाइम मेरा 6 दफा आएगा, ठीक है। मुझे 10 दफा अगर साल में ऑर्डर्स प्लेस करने हैं तो 10 दफा लीड टाइम वाला सिनेरियो बनेगा और 10 दफा लीड टाइम में मुझे शॉर्टेज होगी। बेसिकली शॉर्टेज होती इसीलिए कि लीड टाइम में आपकी कंजम्पशन ज्यादा हो गई आपके रीऑर्डर लेवल और सेफ्टी स्टॉक से, है ना। तो यहाँ पे हम इस चीज को देखेंगे। तो ये फॉर्मूला सबने कॉपी कर लिया, ठीक है। अब इसके अंदर क्वेश्चन में क्या इन्वॉल्व हो सकता है, क्वेश्चन में वो आपको ये कहेगा कि भाई स्टॉक आउट को कंसिडर करते हुए, ठीक है, स्टॉक आउट को कंसिडर करते हुए आपने रीऑर्डर लेवल डिसाइड करना है कि व्हाट शुड बी द रीऑर्डर लेवल, ठीक है, कौन सा रीऑर्डर लेवल ऐसा है कि जिसपे कॉस्ट सबसे मिनिमम हो जाएगी, ठीक है। तो बेसिकली इस चीज को यूज करते हुए हमारे पास 2 सिनेरियोज बनेंगे, वो दोनों हम देख लेंगे। पहले हम रीऑर्डर लेवल की तरफ आ रहे हैं, ठीक है, टू डिसाइड विच रीऑर्डर लेवल इज द मोस्ट फीजिबल। आप क्या करेंगे, अब आपने क्या स्टेप्स फॉलो करने, डिसीजन मेकिंग है ना, अब डिसीजन मेकिंग है वो, अब हम सवाल को देखेंगे। वो ये कहेगा कि भाई स्टॉक आउट कॉस्ट इतना है, कैरिंग कॉस्ट इतना है, अब आपने कोई डिसाइड करना है सबसे ज्यादा ऐसा कोई रीऑर्डर लेवल जिसपे हमारी सबसे कॉस्ट जो है वो सबसे कम पड़े, इस तरह से हो कि हमारा स्टॉक आउट भी सबसे कम से कम हो सके और कैरिंग कॉस्ट भी हमारा कम से कम हो सके, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट टोटल कैरिंग कॉस्ट ऑफ सेफ्टी स्टॉक। हम क्या कह रहे हैं, सेफ्टी स्टॉक इज इन्वॉल्व, व्हाई, बिकॉज देयर इज अनसर्टेनिटी, ठीक है, अनसर्टेनिटी है तो कैरिंग कॉस्ट सेफ्टी स्टॉक हमने हमेशा इन्वॉल्व रखना है। कैलकुलेट टोटल कैरिंग कॉस्ट ऑफ सेफ्टी स्टॉक एंड टोटल स्टॉक आउट कॉस्ट, ठीक है। अब ये क्या चीज है, ये भी हम सब देखेंगे, सॉल्व करेंगे, एक सेकेंड। ROLs का मतलब है रीऑर्डर लेवल्स, ठीक है, रीऑर्डर लेवल, राइट। चूज द ROL ठीक है फ्रॉम स्टेप वन। तो ऑब्वियसली बात है हमें क्या करना है, हमने वो वाला रीऑर्डर लेवल सेलेक्ट करना है जिसमें सबसे लोवेस्ट टोटल कॉस्ट होगी। अब मेरी बात वो से सुनिएगा, इस सिनेरियो के अंदर पहली बात तो ये कि जब हम अब ये डिसाइड कर रहे हैं कि हमारा रीऑर्डर लेवल क्या होना चाहिए, मेरी बात सिर्फ गौर से आप लोगों ने सुननी है, ठीक है, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है इस चीज का। मैंने क्या करना है, मैंने रीऑर्डर लेवल कोई ऐसा चूज करना है, मेरी बात गौर से सुनिएगा, मैं एक साइड पे सेफ्टी स्टॉक मेंटेन कर रही हूँ, ठीक है, सेफ्टी स्टॉक में मेंटेन करूंगी तो मेरा रिस्क ऑफ स्टॉक आउट हो जाएगा कम, है ना, यस और नो। यानी कि मेरा सेफ्टी स्टॉक जितना बढ़ता जाएगा उतना ही मेरा स्टॉक आउट कॉस्ट के चांसेस या स्टॉक आउट कॉस्ट की वैल्यू कम होती जाएगी, है ना, यस और नो। ऑन द अदर हैंड मैं अगर अपना सेफ्टी स्टॉक लेवल कम रखूंगी तो मेरा स्टॉक आउट कॉस्ट जो है वो ज्यादा, उसके चांसेस ज्यादा है, स्टॉक आउट कॉस्ट ज्यादा हो सकती है मेरी, है ना। अच्छा, अब दूसरी बात ये, जितना मेरा
स्टॉक, सेफ्टी स्टॉक ज्यादा होगा उतनी ज्यादा मेरी कैरिंग कॉस्ट ऑफ सेफ्टी स्टॉक भी तो होगी, है ना। तो मैं, मेरी बात गौर से सुनिएगा, मैं कोशिश करूं कि भाई सेफ्टी स्टॉक मैं ज्यादा रखूं। अब मेरी बात गौर से सुने, सेफ्टी स्टॉक मैं ज्यादा रखूं तो ठीक है, मेरा स्टॉक आउट कॉस्ट कम होने के चांसेस हैं, यस और नो? मेरा होगा कि जी स्टॉक आउट कॉस्ट मेरी काफी कम हो गई है क्योंकि मेरे चांसेस ऑफ स्टॉक आउट कम हो गए, लेकिन सेफ्टी स्टॉक बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सेफ्टी स्टॉक की अपनी कॉस्ट भी तो है, कैरिंग कॉस्ट भी तो है ना। तो अब हमें क्या करना है, हमें ऐसा कोई इक्विलिब्रियम मेंटेन करना है कि हमारी कैरिंग कॉस्ट ऑफ सेफ्टी स्टॉक और हमारा स्टॉक आउट कॉस्ट ये हो जाए मिनिमम एज पॉसिबल, कि सेफ्टी स्टॉक भी बहुत ज्यादा ना हो, कैरिंग कॉस्ट उसकी बहुत ज्यादा ना हो और ना ही वो कॉम्प्रोमाइज करे, शॉर्टेज हो जाए बहुत ज्यादा। इज दैट क्लियर? तो वी नीड टू मेंटेन एन इक्विलिब्रियम बिटवीन द टू। यहाँ तक बात आई होप सबको क्लियर होगी, ठीक है। ये चीज तो हमारी हो गई, तो बिल्कुल सिर्फ अंडरस्टैंडिंग की चीज, लिस्ट में लिखवाने वाला कोई नहीं था। अब एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, ठीक है, सेफ्टी स्टॉक के ऊपर जब हम आ जाते हैं, अब हम जरा सेफ्टी स्टॉक के ऊपर डिस्कस करते हैं। मैं आपको दो सिनेरियोस देती हूँ, ठीक है। सिनेरियो नंबर वन क्या है, मेरा रीऑर्डर लेवल है फॉर एग्जाम्पल 8000 यूनिट्स। क्या मतलब हुआ, आपको मैं क्वेश्चन में बता रही हूँ कि रीऑर्डर लेवल मेरा 8000 यूनिट से है, तो बता रही हूँ या आपने कैलकुलेट किया, ठीक है, दोनों में से कोई है। 8000 यूनिट के ऊपर आके आप ऑर्डर प्लेस कर देते हैं, ठीक है। 8000 यूनिट जैसी इन्वेंट्री होती है आप ऑर्डर प्लेस कर देते हैं, ठीक है जनाब। फिर मैं आपको ये बता दूं क्वेश्चन में एवरेज यूजेज या डिमांड इन लीड टाइम, क्या मतलब हुआ इसका, जो लीड टाइम है फॉर एग्जाम्पल 10 दिन सप्लायर लेता है, तो उन 10 दिनों में मेरा कितना ऑन एन एवरेज इस्तेमाल करती हूँ मैं रॉ मटेरियल, मैं इस्तेमाल करती हूँ 6000 यूनिट। और ये किस तरह से कैलकुलेट होता है, एवरेज यूजेज इन लीड टाइम किस तरह से कैलकुलेट होता है, ये होता है एवरेज यूजेज मल्टीप्लाइड बाय एवरेज लीड टाइम, है ना। मैं एक दिन में कितना, ये भी हम सारी चीजें क्वेश्चन के थ्रू देखेंगे, ठीक है। मैं ये कह रही हूँ कि मैं एक दिन में 10 यूनिट्स इस्तेमाल करती हूँ, तो अगर सप्लायर मेरा 10 दिन लेता है तो मेरे टोटल 10 दिन में कितने यूनिट्स कंज्यूम होंगे, 10 × 10, क्लियर हो गई ना बात, ठीक है। तो मैं अगर आपको ये कहूँ कि एवरेज यूजेज इन दैट लीड टाइम इज 6000 यूनिट्स, तो मुझे एक बात बताइएगा, क्या यहाँ पे हमारे पास कोई सेफ्टी स्टॉक मेंटेन हो रहा है, यहाँ पे क्या सिनेरियो है, कितना, 2000, वेरी गुड हमजा, हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। इधर देखें, 8000 यूनिट्स जैसे ही आपका इन्वेंट्री लेवल आया, जैसे ही आपका इन्वेंट्री लेवल 8000 यूनिट्स पर पहुंचा, आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया। अब वो 10 दिन ले रहा है ऑन एन एवरेज ऑर्डर डिलीवर करने में, उन 10 दिनों में आपने कंज्यूम करना है 6000 यूनिट्स, 2000 अभी भी पड़े हुए है ना। आपकी जो कंजम्पशन है उन उस लीड टाइम में टोटल, राइट, वो आपके रीऑर्डर लेवल से कम है। तो 8000 यूनिट्स आप कंज्यूम कर रहे हैं, 6000 पे जैसे ही आपने 6000 यूनिट्स जैसे ही कंज्यूम करेंगे, 2000 यूनिट्स पड़े रह जाएंगे, आपको तो नई डिलीवरी रिसीव हो जाएगी, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है? तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हम कहेंगे कि हमारा सेफ्टी स्टॉक कितना है, हमारा सेफ्टी स्टॉक है 8000 - 6000, यस और नो? हम कहेंगे कि जी यहाँ पे हमारे पास अब 2000 यूनिट्स का हमें कैरिंग कॉस्ट बेसिकली इनकर करना पड़ेगा एट ऑल टाइम्स, है ना, ऑन एन एवरेज, यस और नो? हम कहेंगे कि जी हमारे पास ये जो 2000 यूनिट्स हैं इनकी अब कैरिंग कॉस्ट इज आवर रेलेवेंट कॉस्ट, यस और नो? दूसरा सिनेरियो दे लेते हैं, सिनेरियो नंबर टू, वही है रीऑर्डर लेवल आपका वही 8000 यूनिट्स है ना, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि भाई टोटल एवरेज यूजेज इन लीड टाइम, ठीक है, जो लीड टाइम के अंदर ऑन एन एवरेज मेरी यूजेज है वो है 12000 यूनिट्स की। अब बताइए क्या सिनेरियो में सेफ्टी स्टॉक का कंसिडर सिनेरियो आएगा या उल्टा स्टॉक आउट हो जाएगा? नो सेफ्टी स्टॉक, है ना। क्यों सेफ्टी स्टॉक नहीं है यहाँ पे, उल्टा हमें तो कमी हो जाएगी, है ना, उल्टा हमें सिनेरियो में कमी हो जाएगी। 8000 यूनिट्स आपके इन्वेंट्री में थे, आपने जो है वो ऑर्डर प्लेस कर दिया, अब 10 दिन लगेंगे ऑर्डर आने में, राइट, लेकिन उन 10 दिनों में आपने 12000 यूनिट्स आपको चाहिए, तो आपके पास तो इन्वेंट्री में है ही 8000 यूनिट्स, यस और नो? आपने उन 8000 यूनिट्स को ही कंज्यूम कर सकते हो, आप लीड टाइम में उससे ज्यादा तो कर ही नहीं सकते, तो 4000 यूनिट्स का आपके पास क्या हो जाएगा, 4000 यूनिट्स का उल्टा आपके पास स्टॉक आउट हो जाएगा। इज दैट क्लियर?
एग्जैक्टली, कंट्रीब्यूशन ऑब्वियसली लॉस होगा 4,000 यूनिट पे. वेरी गुड, आई होप दैट्स क्लियर. तो इसका मतलब ये हुआ, हमें ये बात समझ में आ जाती है कि हमारे पास सेफ्टी स्टॉक उस सिनेरियो में होगा जिस सिनेरियो में हमारा रीऑर्डर लेवल इज मोर देन टोटल एवरेज यूजेज इन लीड टाइम. यस और नो? है ना, रीऑर्डर लेवल ज्यादा है, यूजेज कम है, तो हम कहेंगे अच्छा जी रीऑर्डर लेवल 8,000 यूनिट्स थे, यूजेज सिर्फ 6,000 यूनिट्स है, तो जैसे हमारे पास डिलीवरी रिसीव होगी उस टाइम पे अभी भी हमारे पास 2,000 यूनिट स्टॉक में मौजूद होंगे. तो यही तो होता है सेफ्टी स्टॉक, है ना. सेफ्टी स्टॉक का हमारा कॉन्सेप्ट यही है. अब ये सारी चीजें क्यों डिस्कस कर रही हूँ, बेसिकली हमने थोड़ी टेक्निकल चीज के ऊपर आना है और आज मैं क्लास आप लोगों की थोड़ी सी एक्सटेंड करूंगी, ठीक है. तो अब जरा हम आते हैं, क्योंकि मुझे ये हर हाल में ये वाली चीज जो है वो कंप्लीट करनी है आज. चले जी, अब मैं चैट बॉक्स मिनिमाइज कर रही हूँ और मैं आप लोगों के क्वेश्चंस लूंगी सबसे एंड पे. आप लोगों ने पहले तहम्मुल के साथ, खामोशी के साथ, प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ ये जो एग्जांपल्स मैं आपको करवा रही हूँ ये आपने करनी है, क्योंकि थोड़ी सी ये है टेक्निकल, ठीक है. अब जो चीज हम करने जा रहे हैं, अब सेफ्टी, बेसिकली हम स्टॉक आउट कॉस्ट के ऊपर अब हम फोकस कर रहे हैं, ठीक है, वो चीज अब हम इन्वॉल्व कर रहे हैं. तो एक सबसे पहली चीज आप जरा नोट एक अपने पास लिख दीजिए, वो सिंपली मैं आपको ये नोट लिखवा रही हूँ कि आप जब जहां पे जिन क्वेश्चंस के अंदर स्टॉक आउट वाला सिनेरियो इन्वॉल्व होता है उसमें आपको पता है कि रीऑर्डर लेवल का एक फॉर्मूला है, मैक्सिमम लीड टाइम मल्टीप्लाइड बाय मैक्सिमम डिमांड या मैक्सिमम यूजेज. आप वो वाला फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, वरना आपके पास सेफ्टी स्टॉक जो है वो जीरो ही हर सिनेरियो में आता रहेगा, ठीक है. कुछ वर्किंग इस तरीके से होगी, फिर कुछ फॉर्मूलाज इस तरह से अप्लाई होंगे कि फिर आपका सेफ्टी स्टॉक के अंदर वो चीज नहीं इनकॉर्पोरेट हो सकेगी. तो आपने रीऑर्डर लेवल के लिए हमेशा फॉर्मूला इस सिनेरियो में क्या यूज करना है, एवरेज वाला, ठीक है. अच्छा जी, अब बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल, ठीक है. अब हम जरा पहली एग्जांपल करने जा रहे हैं, ठीक है, शॉर्ट जिसमें स्टॉक आउट कॉस्ट वाला सिनेरियो होगा, ठीक है. चले, एग्जाम्पल है आपके पास एनुअल डिमांड, आपके लिए एनुअल डिमांड है 2,60,000 यूनिट्स. चल, एनुअल डिमांड है 2,60,000 यूनिट्स. ऑर्डर साइज आप फॉलो करते हैं, अब ये इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी हो सकता है, हो ठीक है. ऑर्डर साइज आपको दे दिया गया है क्वेश्चन में, 20,000 यूनिट्स का आप एक ऑर्डर प्लेस करते हैं, ठीक है. तो क्या हम ये वर्कआउट कर सकते हैं कि नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने होंगे? बिल्कुल हम कर सकते हैं वर्कआउट, ठीक है. फिर आपको दिया हुआ है डिमांड पर वीक, यानी कि आप अभी यहाँ पे हर हफ्ते के हिसाब से, आपको याद होगा कल मैंने आपको लिखवाया है कि लीड टाइम और यूजेज का जो यूनिट्स हैं वो कंसिस्टेंट होने चाहिए. यूनिट का मतलब ये कि अगर लीड टाइम डेज में है तो यूजेज भी पर डे हो, अगर लीड टाइम वीक्स में है तो यूजेज भी वीक्स में हो, अगर लीड टाइम मंथ में दिया हुआ है तो हम ये बता दे वो कि एक महीने में कितना आप इस्तेमाल करते हैं, राइट. यूजेज क्या है, आपकी डिमांड कितनी है. तो यहाँ पे डिमांड पर वीक दिया हुआ है 5,000 यूनिट्स का, क्या मतलब हुआ. अब इसमें हमें क्या इस बात को कंसिडर करना है कि लीड टाइम शुड बी इन वीक्स एज वेल, ठीक है. और हम ये कह रहे हैं कि देर आर टोटल ऑफ 52 वीक्स इन अ ईयर, ठीक है. तो 52 वीक्स आपके हिसाब से आपने सारी कैलकुलेशंस करनी है, ठीक है. 5,000 यूनिट्स आप एक वीक में कंज्यूम करते हो, ठीक है. फिर आपको दिया जा रहा है क्या, लीड टाइम की आपको दी जा रही है इंफॉर्मेशन. लीड टाइम की क्या इंफॉर्मेशन दी जा रही है, टेबुलर फॉर्म में हम इसको देखेंगे. लीड टाइम इन वीक्स, ठीक है. वो आपको ये बता रहा है कि सप्लायर 2 वीक्स लेगा ऑर्डर डिलीवर करने में, इसकी प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी है कितनी, 50%.
है, ये बेस्ड ऑन ऑब्वियसली बात है, पास्ट एक्सपीरियंस आपने डिवाइस किया है। सप्लायर 3 हफ्ते लेता है, 2 के बजाय 3 हफ्ते लेता है, इसकी प्रोबेबिलिटी है 30%। और सप्लायर 4 हफ्ते लेता है टू डिलीवर योर ऑर्डर, इसकी प्रोबेबिलिटी है 20%। तो ये प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे आपको लीड टाइम दे दिया, राइट? तो अब आप क्या करेंगे, आपको एवरेज लीड टाइम चाहिए, तो आप क्या निकालेंगे, एक्सपेक्टेड वैल्यू। हर चीज जहां जहां हमें जरूरत पड़ेगी, इक्वल हो तो सर्टेनिटी होगी। किस चीज का इक्वल हो बच्चे? अहमद वलीद, आप अपना क्वेश्चन जरा बताइए। अनसर्टेनिटी के केस में तो यूज कर सकते हैं ना मैडम? हाँ, रीऑर्डर लेवल के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर स्टॉकआउट इन्वॉल्व हो रहा है ना, स्टॉकआउट कॉस्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है, तो फिर आज सिर्फ आपने इग्नोर करना है। आप फिर मैक्सिमम लीड टाइम मैक्सिमम डिमांड फॉर्मूला यू नहीं यूज करेंगे, आप एवरेज लीड टाइम एवरेज डिमांड वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। मैंने इसीलिए लिखवा दिया ना, अगर क्वेश्चन के अंदर स्टॉकआउट वाला सिनेरियो इन्वॉल्व हो रहा है, स्टॉकआउट कॉस्ट दी जा रही है, तो फिर हमने वो वाला फॉर्मूला यूज नहीं करना फॉर रीऑर्डर लेवल। जी अहमद वलीद साहब, अपना क्वेश्चन जरा लिखने, बड़ा मतलब खोल के जरा पूछ लेंगे क्या मतलब है आपका। इन द मीन टाइम आई विल कंटिन्यू, ठीक है? फिर क्वेश्चन में उन्होंने आपको दे दिया है स्टॉक आउट कॉस्ट पर यूनिट। अब उसने आपको वही बता दिया, आपको करने की फिक्र करने की जरूरत ही नहीं है कि कंट्रीब्यूशन मार्जिन लॉस है क्या है। उसने बता दिया कि 100 रुपए का स्टॉक आउट जो है वो हमारा लॉस होता है पर यूनिट, ठीक है? तो ठीक है, ये आपके पास आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद उसने आपको क्या दे दी, आपको कैरिंग कॉस्ट और स्टॉकआउट कॉस्ट के दरम्यान एक वो मेंटेन करना है ना, एक तो सबसे मिनिमम अमाउंट, ठीक है? तो कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम आपको बता रहे हैं कि वो है ₹800, ठीक है जी? यही चाहिए था। अब आपने क्या करना है, रिक्वायर्ड कैलकुलेट स्टॉकआउट कॉस्ट एंड, ये स्टेप्स बेसिकली मैं रिक्वायरमेंट में ही लिख रही हूँ, एंड कैरिंग कॉस्ट ऑफ सेफ्टी स्टॉक फॉर द ईयर चलें जी, जल्दी से कॉपी करें फिर हम आगे चलते हैं। अहमद, अगर सेफ्टी स्टॉक मेंटेन होगा तो रीऑर्डर लेवल शुड बी कंजम्पशन इन लीड टाइम प्लस सेफ्टी स्टॉक, है ना? सेफ्टी स्टॉक प्लस कंजम्पशन शुड बी योर रीऑर्डर लेवल। हाँ जी, क्वेश्चन सबने कॉपी कर दिया। एनुअल डिमांड इज 2,60,000 यूनिट, ऑर्डर साइज शुड बी 20,000, इज 20,000 यूनिट, डिमांड पर वीक इज, ये सर्टन है मोर और लेस, है ना? डिमांड हमारी सर्टन है, डिमांड आपको एक ही दी हुई है, लेकिन अनसर्टेनिटी फिर भी इन्वॉल्व है ना। और मैंने आपको लिखवाया कि अगर दोनों में से किसी एक चीज में भी अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व हो रही है, तो वो आपका पूरा सिनेरियो अनसर्टेनिटी वाला बनता है, ठीक है? तो अनसर्टेनिटी यहाँ पे इन्वॉल्व हो रही है, क्यों? ये चीज सर्टन नहीं है ना, एक फिगर नहीं है ना, एक अमाउंट नहीं है, ये मुख्तलिफ है, तो अनसर्टेनिटी इज इन्वॉल्व। स्टॉकआउट कॉस्ट पर यूनिट इज 100 रुपए पर यूनिट, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम इज 800 रुपए, ठीक है? रिक्वायरमेंट है कैलकुलेट द स्टॉकआउट, ये तो स्टेप्स मैंने रिक्वायरमेंट में इंकॉर्पोरेट कर दिया, वरना आपसे वो ज्यादा से ज्यादा यही पूछेगा कि डिसाइड विच रीऑर्डर लेवल इज द मोस्ट फीजिबल, सिंपल एज दैट। तो रीऑर्डर लेवल हमारा सबसे ज्यादा फीजिबल क्या है, हमें उसके लिए क्या चाहिए, टोटल ऑफ स्टॉकआउट कॉस्ट प्लस सेफ्टी स्टॉक का कैरिंग कॉस्ट, राइट? तो अब हम एक एक करके हमने हर लेवल को देखना है, ठीक है? स्पीड आपने थोड़ी अपनी कॉपी करने की थोड़ी तेज करनी है, ताकि इसमें हम जल्दी से इसको कवर कर सकें। चलें जी, अब हम आते हैं सॉल्यूशन के ऊपर, ठीक है? पहले तो मैं ये चाहूंगी कि हम एक टेबुलर फॉर्म में ना एक टेबल बना के उसको खाली छोड़ते हैं, और फिर आहिस्ता आहिस्ता करके उसको फिल करते रहे, ठीक है? या तो हम ये काम भी कर सकते हैं टेबुलर फॉर्म में चीज को अपने फाइनल, क्योंकि अब देखिए 3 लेवल्स पे आपने कंपेरिजन करना है ना, ठीक है? तो मैं ये एक टेबल बना लेती हूँ, ठीक है? रीऑर्डर लेवल है बेसिकली 12,000 यूनिट,
ठीक है, 15,000 यूनिट और 18,000 यूनिट, ठीक है। और मैंने बेसिकली हर रीऑर्डर लेवल पे, अगर आपके पास एग्जाम में टाइम ना हो तो ये टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। रीऑर्डर लेवल पे मैंने बेसिकली क्या करना है, टोटल स्टॉक आउट कॉस्ट है ना, टोटल कैरिंग कॉस्ट ऑफ सेफ्टी स्टॉक, और तीसरी चीज टोटल स्टॉकआउट प्लस टोटल कैरिंग कॉस्ट, ये इन दोनों का बेसिकली टोटल, ठीक है। और इसमें से जो जिस लेवल पे लोएस्ट आएगा हमारा आंसर आखिरी कॉलम में, हमने बेसिकली उस वाले रीऑर्डर लेवल को सिलेक्ट करना है फॉर एज आर आंसर, ठीक है। आई होप ये बात सबको क्लियर है। तो ये टेबल बना के मैं अभी फॉर द टाइमिंग इसको छोड़ रही हूँ, उसके ऊपर हम आएंगे, ऑब्वियसली बात है कैलकुलेशन करते रहेंगे और चीजों को फिल करते रहेंगे, ठीक है। चैट बॉक्स में मिनिमाइज कर रही हूँ, जो जो क्वेश्चंस आएंगे आप वो लिखते जाएंगे साथ साथ, या माइक ऑन कर लेंगे और क्वेश्चन पूछ लेंगे, ठीक है। चले जी, अब हमारा पहला लेवल है, हमने पहले 12,000, अगर हमारा रीऑर्डर लेवल जो है वो 12,000 यूनिट होता, ट्रायल एंड एरर बेसिस पे हमने काम करना है, ठीक है। रीऑर्डर लेवल अगर हमारा 12,000 यूनिट्स होता है तो फिर हम देखेंगे कि हमारा टोटल स्टॉकआउट कॉस्ट कितना है और टोटल हमारा कैरिंग कॉस्ट ऑफ सेफ्टी स्टॉक कितना है। रेडी, चले जनाब। अब हमें वर्किंग थोड़ी करनी पड़ेगी, पहले मुझे ये बनाने देंगे जो टेबल अब मैं बना रही हूँ 12,000 यूनिट्स को यूज करके, उसके बाद फिर आप लोगों ने कॉपी करना है, ठीक है। चलें जी, ये सारी हेडिंग्स जरा अपने पास कॉपी कर लें, ये भी बेसिकली एक छोटा टेबल टाइप का बन रहा है फॉर वर्किंग पर्पजेस। हमने बाकी सारी चीजों को इग्नोर कर देना है, हमने 15,000 यूनिट्स और 18,000 यूनिट्स के जो रीऑर्डर लेवल थे उनको फॉर द टाइम बीइंग कर देना है इग्नोर, और फोकस करना है सिर्फ और सिर्फ 12,000 के रीऑर्डर लेवल पे। रेडी, अच्छा जी, अब क्या है, अब यहाँ पे मसला ये है कि यहाँ पे प्रोबेबिलिटीज इन्वॉल्व हो रही है ना। हमारे पास लीड टाइम 2, 3 या 4 वीक्स में से कोई भी एक हो सकता है, डिमांड में हमारे पास सर्टेनिटी है अपेरेंटली, राइट। लीड टाइम हमारा 2, 3, 4 है, प्रोबेबिलिटीज क्या है, क्वेश्चन में आपको गिवन है इसकी प्रोबेबिलिटी है 50%, इसकी प्रोबेबिलिटी है 30%, इसकी प्रोबेबिलिटी है 20%, यस 50, 30, 20, बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, अब हमने क्या कैलकुलेट करना है, टोटल डिमांड इन लीड टाइम कितना है, ठीक है। ये मैं एक दफा सिर्फ आपको कैलकुलेट करने करके बता रही हूँ, बाकी फिर आप लोग खुद ही हर क्वेश्चन से करेंगे, बड़ा आसान है, ठीक है। मेरा अगर लीड टाइम होता है 2 वीक्स, ठीक है, मेरा लीड टाइम, सॉरी मेरा ये है वीक्स, ठीक है, मेरे पास मेरा लीड टाइम अगर 2 वीक्स होता है तो मुझे बताइए कि मैं इन 2 हफ्तों में कितने यूनिट्स कंज्यूम करूंगी, मेरा डिमांड पर वीक कितना है 5,000 यूनिट, यस, तो मैं 10,000 यूनिट्स मेरी कंजम्पशन बनती है। अब मैं कंज्यूम कर सकूंगी नहीं कर सकूंगी वो एक अलग कहानी है, लेकिन मुझे चाहिए कितने, ठीक है, 2 हफ्तों में, इन 2 हफ्तों में मुझे कितने चाहिए होंगे, तो मैं क्या करूंगी, मेरे पास बनेगा कुछ यूं 2 वीक्स मल्टीप्लाइड बाय डिमांड पर वीक। यहाँ पे कंसिस्टेंसी यहाँ पे इन्वॉल्व हो रही है ना, 2 हफ्ते हैं तो आपके पास डिमांड भी पर वीक होना चाहिए, ठीक है। तो टोटल डिमांड एंड लीड टाइम 2 वीक्स के हिसाब से बनता है 10,000, 5,000 पर वीक, राइट। इसी तरह से अगर मेरा लीड टाइम हो जाता है 3 वीक्स, तो इन 3 वीक्स में मुझे कितने रॉ मटेरियल की जरूरत है, राइट, तो मैं क्या करूंगी, मेरे पास बनेगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 5,000, यस और नो, मेरे पास कंजम्पशन मेरी कितनी हो मतलब मुझे कितने रिक्वायर्ड है, मुझे रिक्वायर्ड है 15,000 यूनिट, राइट। लाइक वाइज अगर मेरा सप्लायर 4 हफ्ते ले जाता है, हर हफ्ते मुझे 5,000 यूनिट की रिक्वायरमेंट है, तो मुझे कितना यूनिट्स मेरे पास अवेलेबल होने चाहिए आइडियली फॉर कंजम्पशन, वो होने चाहिए 20,000, इज दैट क्लियर।
यहाँ पे किसी को कोई मसला कोई परेशानी जल्दी से चैट बॉक्स या माइक ऑन कर ले, माइक ऑन कर लेना ज्यादा अच्छा है, ठीक है, लिखने से बेहतर है कि आप माइक ऑन कर लीजिएगा। अच्छा जी, अब इस सिनेरियो में हम रीऑर्डर लेवल कितना कंसिडर कर रहे हैं? रीऑर्डर लेवल हमारे पास 12,000 यूनिट्स, यस, 12,000, 12,000, 12,000, ठीक है, 12,000 यूनिट्स हमारा रीऑर्डर लेवल है। अब मेरी बात, मुझे जवाब आप लोगों से चाहिए, और जिससे मैं सवाल पूछूंगी वो माइक ऑन करके मुझे जवाब देगा, ठीक है, या देगी, ठीक है जनाब। मैं अगर, अच्छा जी, मैं अगर इस उसकी बात करूं, ठीक है, मेरा रीऑर्डर लेवल है 12,000 यूनिट्स, मेरी टोटल कंजम्पशन है 10,000 यूनिट्स, मुझे बताइए। अब मैं एक एक करके हर लीड टाइम का अलग अलग कैलकुलेट होगा जी, ये मुझे जवाब चाहिए इस चीज का, जिससे मैं पूछूंगी वही मुझे जवाब देंगे। हफीज अहमद और मुअज्जम अवान, ये दोनों स्टूडेंट्स मुझे जवाब देंगे कि मेरे पहले अगर लीड टाइम 2 वीक्स होता है तो मेरे कितने यूनिट्स का स्टॉकआउट होगा? जी, मुअज्जम और 2000 यूनिट्स का टू थाउजेंड मैम, यूनिट्स अच्छा 2,000 यूनिट्स का, और हफीज अहमद ने कहा 2,000 यूनिट्स, और मुअज्जम ने भी 2,000 यूनिट्स। अच्छा जी, अब मेरी बात गौर से सुनिएगा, थोड़ा टैक्टफुली भी सॉरी चीजों मैम, को सो देखना है। मैम जी सॉरी, मेरे जी ख्याल से नहीं, इसमें नहीं होगा स्टॉक आउट यूनिट। स्टॉक आउट होगा ही नहीं। वेरी गुड मुअज्जम, वेरी गुड, देर विल बी नो स्टॉक आउट। क्यों? अगर मेरा सप्लायर 2 वीक्स लेता है टू डिलीवर माई ऑर्डर, तो मेरे पास इन्वेंट्री लेवल 12,000 यूनिट्स हुआ, मैंने ऑर्डर प्लेस कर दिया। अब मेरा सप्लायर अगर 2 हफ्ते लेता है, तो इन 2 हफ्तों में तो मेरे यूनिट्स ही कंज्यूम्ड 10,000 होने, यस और नो? मेरे 10,000 यूनिट सिर्फ कंज्यूम होने, मेरे पास 12,000 की इन्वेंट्री मौजूद है, 10,000 यूनिट्स मेरे कंज्यूम होने सिर्फ, तो क्या कोई स्टॉकआउट होगा? क्या कोई शॉर्टेज होगी? नहीं। क्लियर हो गई बात? ठीक है जनाब। अच्छा, जीरो स्टॉकआउट होने का पॉसिबिलिटी क्या है, एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है कि जीरो आपके स्टॉकआउट यूनिट्स हो? 50%, यस और नो? 50% प्रोबेबिलिटी है ना? ये सिनेरियो होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 50% है, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू मेरी कितनी हो जाएगी? स्टॉकआउट यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी जीरो, है ना? देयर इज नो, बेसिकली एक्सपेक्टेड वैल्यू जीरो है इसकी, है ना? अब हम आ जाते हैं दूसरे लेवल पे। अब बताइए, अब जिनसे मैं पूछूंगी वो मुझे जवाब देंगे। अब आपको पता है कि भाई तीसरी पॉसिबिलिटी भी है, कि दूसरी पॉसिबिलिटी भी है कि स्टॉकआउट होगा ही नहीं। जी, इसका मुझे जवाब देंगे मोहम्मद तौकीर और सुंदस। जी, अब मुझे बताइए, मेरा सप्लायर अगर 3 वीक्स लेता है तो मेरी कितने स्टॉक आउट होगा? नहीं होगा, होगा तो कितने यूनिट्स का होगा? मिस जी, 3000 का लॉस होगा 3,000 का शॉर्टेज होने के चांसेस हैं। वेरी जी। गुड सुंदर, है ना? 3,000 यूनिट्स के शॉर्टेज होने के चांसेस हैं। स्टॉक आउट यूनिट्स कितने होंगे? 12,000 इन्वेंट्री लेवल पे आए आप, आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया, लेकिन आपको चाहिए कितने? आपको 15,000 यूनिट्स चाहिए, राइट, इन 3 हफ्तों में, यानी कि 3,000 यूनिट्स के स्टॉक आउट होने का आपके पास खदशा है। अच्छा, इस खदशे का प्रोबेबिलिटी कितना है? 30%। इफ देयर इज अ 30% प्रोबेबिलिटी दैट यू विल हैव अ शॉर्टेज ऑफ 3,000 यूनिट्स, तो मुझे बताइए एक्सपेक्टेड वैल्यू कितनी बनती है इस सिनेरियो में? 3,000 की प्रोबेबिलिटी कितनी है इंटू 30%, यानी के 900, इज दैट क्लियर? तो प्रोबेबिलिटी में आपको पता है इसी तरह से चलते हैं ना चीजों को लेके, एक्सपेक्टेड वैल्यू आपके पास आ गई। आगे चलते हैं, फिर उसके बाद भाई अगर 4 हफ्ते लेगा तो इन 4 हफ्तों में आपको रिक्वायरमेंट कितनी है? 20,000 यूनिट्स की। अवेलेबल इन्वेंट्री कितनी है? अवेलेबल इन्वेंट्री है 12,000 यूनिट्स की, है ना? तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे, कितना स्टॉक आउट होने के चांसेस है? यहाँ पे 8,000 यूनिट्स के स्टॉक आउट होने के चांसेस है, यस और नो? अब इनकी एक्सपेक्टेड वैल्यू कितनी बनती है? 8,000 मल्टीप्लाइड बाय 20%, इज दैट क्लियर, यस और नो? तो 8,000 का 20% कितना बनता है? 1,600 यूनिट। अब आपने क्या करना है? अब आपने टोटल एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है ना? टोटल एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होगी? आखिरी कॉलम का सम जो होगा, हम कहेंगे 900 प्लस 1,600, यानी के 2,500 यूनिट। तो इसका क्या मतलब हुआ कि इस पूरे सिनेरियो में स्टॉक आउट यूनिट की एक्सपेक्टेड वैल्यू है कितनी? हम लोग कहेंगे कि देर इज अ चांस कि हमारे पास ऑन एन मतलब ऑन एन एवरेज, है
है ना, एवरेज स्टॉक आउट यूनिट्स आपके बनते कितने हैं, 2500 यूनिट्स। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो जल्दी से क्वेश्चन रेज कर दे। हम मैं रिपीट कर रही हूँ, हमने बेसिकली टोटल स्टॉक आउट कॉस्ट निकालनी है और हमने टोटल कैरिंग कॉस्ट निकालनी है। आई होप दैट्स क्लियर। चलें जी, अब हम पहले जरा स्टॉक आउट की तरफ आ जाते हैं ना, पहले हम टोटल स्टॉक आउट निकालते हैं। टोटल स्टॉक आउट कॉस्ट फॉर द ईयर, पूरे साल में, ये तो एक दफा का स्टॉक आउट हो गया ना, एक दफा जब भी ऑर्डर प्लेस करना होगा तो तब हम एक्सपेक्ट करें कि 2500 यूनिट्स का एक्सपेक्टेड वैल्यू करते चीजों को एवरेज आउट करने के लिए। प्रोबेबिलिटीज इन्वॉल्व हैं, तो आप कौन सा यूज करेंगे, भाई कितने स्टॉक आउट हो, 3000 यूनिट स्टॉक आउट होंगे या 8000 यूनिट स्टॉक आउट होंगे, तो फिर आप क्या करते हैं, एवरेजिंग आउट कर रहे हैं बेसिकली। इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू इज बेसिकली एवरेजिंग आउट ऑफ योर पॉसिबिलिटीज, राइट। टोटल स्टॉक आउट कॉस्ट फॉर द ईयर कितना होगा, स्टॉक आउट कॉस्ट पर यूनिट कितना है, क्वेश्चन में उन्होंने बता दिया है 100 रुपीज पर यूनिट, यस। तो 100 रुपए का जो भी है कंट्रीब्यूशन मार्जिन फॉर गॉन है व्हाटसोएवर, 2500 यूनिट मेरे स्टॉक आउट होंगे हर ऑर्डर के टाइम पे। बात समझ आ रही है ना, ये बात मैंने पहले ही समझा दी थी। जितनी दफा आपको ऑर्डर प्लेस करने होंगे, जितनी दफा आपका नहीं है, कभी कंप्लीट थोड़ी हुआ फॉर्मूला, ये स्टॉक आउट होगा जितनी दफा आपने ऑर्डर प्लेस करना होगा पूरे साल में। तो क्या एक दफा ऑर्डर प्लेस करना है, एक दफा में स्टॉक आउट होने के चांसेस हैं 2500 यूनिट्स के। आपने कितनी दफा ऑर्डर्स प्लेस करने हैं उसके लिए आपको क्या यूज करना होगा, नंबर ऑफ ऑर्डर्स, है ना। ऑर्डर साइज एनुअल डिमांड है 2,60,000, ऑर्डर साइज है 20,000 यूनिट्स। तो कितनी दफा आपको स्टॉक आउट का सिनेरियो फेस करना पड़ सकता है, 13 टाइम्स, इज दैट क्लियर, मल्टीप्लाइड बाय 2,60,000 डिवाइडेड बाय 20,000, ये क्या है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स, इज दैट क्लियर। तो टोटल स्टॉक आउट कॉस्ट एवरेज, है ना, ये आपने क्या कैलकुलेट कर ली, दिस इज योर एवरेज स्टॉक आउट कॉस्ट फॉर द ईयर, कितना है एवरेज, हम बेसिस पे कैलकुलेट कर रहे हैं, 100 × 2500 × 13, 3250000। अगर तो आपका रीऑर्डर लेवल आप 12,000 यूनिट रखते हैं तो आपका टोटल स्टॉक आउट कॉस्ट निकलता है 3.25 मिलियन, इज दैट क्लियर। दूसरी चीज हमें क्या निकालनी है, टोटल कैरिंग कॉस्ट ऑफ सेफ्टी स्टॉक, यस, है ना। अब पहला सवाल तो ये कि सेफ्टी स्टॉक कितना होगा, है ना, सेफ्टी स्टॉक का क्या फॉर्मूला हमने यूज करना है, सेफ्टी स्टॉक इज इक्वल टू रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज यूजेज मल्टीप्लाइड बाय एवरेज लीड टाइम, यस। अच्छा जी, अब यहां पर मुझे बताइए, एवरेज यूजेज मल्टीप्लाइड बाय एवरेज लीड टाइम कैसे कैलकुलेट करेंगे, लीड टाइम आपके पास एक ही गिवन है, लीड टाइम, ओ सॉरी, एवरेज यूजेज तो आपके पास 5000 यूनिट पर वीक है, है ना, यस और नो, ठीक है। तो आपकी एवरेज यूजेज तो आपको एक ही गिवन है, आप लेंगे 5000 यूनिट्स, यस, यूनिट्स पर वीक। व्हाट अबाउट एवरेज लीड टाइम, हाँ जी, वेरी गुड। एवरेज लीड टाइम में आपके पास अब लीड टाइम की 3 सिनेरियो है, तो आप एक्सपेक्टेड कैलकुलेट कर लेंगे। 2 वीक्स की पॉसिबिलिटी है 50%, है ना, एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालेंगे लीड टाइम का। 2 वीक्स की पॉसिबिलिटी है 50%, 3 वीक्स की पॉसिबिलिटी है 30%, और 4 वीक्स की पॉसिबिलिटी कितनी है, 20%, इज दैट क्लियर। तो आपके पास एक फिगर आ जाएगी, कितनी कितना अमाउंट आ रहा है, जी, बात यहां तक सबको समझ आ रही है। आपने बेसिकली क्या कैलकुलेट करना है, सेफ्टी स्टॉक को अब आपने देखना है ना, 2.7 वीक्स। अच्छा जी, तो मैं क्या करूंगी, मेरी एवरेज कंजम्पशन इन लीड टाइम, है ना, यही हो गया ना, मेरी एवरेज कंजम्पशन इन लीड टाइम फिर कितनी निकलेगी, 5000 मल्टीप्लाइड बाय 2.7, यस और नो, मैंने सब चीजों को एवरेज आउट कर दिया, क्या आंसर आ रहा है। अच्छा जी, मेरा रीऑर्डर लेवल कितना है, मुझे बताइए, क्या सिनेरियो में कोई सेफ्टी स्टॉक होगा, होगा तो कितना होगा, 12,000 यूनिट्स की मेरी इन्वेंट्री थी,
एवरेज कंजम्पशन इन लीटर मेरा 13,500 बनता है, क्या कोई सेफ्टी स्टॉक पीछे पड़ा रह जाएगा या नहीं? उल्टा शॉर्टेज वाला सिनेरियो, मतलब शॉर्टेज के चांसेस उसमें, इधर कोई सेफ्टी स्टॉक है ही नहीं, है ना? यहाँ पे कोई सेफ्टी स्टॉक है ही नहीं, रीऑर्डर लेवल आपका 12,000 यूनिट है, आपने कंज्यूम 13,500 करने, कंजम्पशन ज्यादा है रीऑर्डर लेवल से, तो कोई पीछे पड़ा है, बचेगा ही नहीं, कोई सेफ्टी स्टॉक होगा ही नहीं, तो इधर कोई सेफ्टी स्टॉक नहीं है, तो देर विल बी नो कैरिंग कॉस्ट ऑफ सेफ्टी स्टॉक एट रीऑर्डर लेवल ऑफ 12,000 यूनिट, इज दैट क्लियर? अब हम जरा टेबुलर टेबल को जरा फिल करते हैं, ये हमने टोटल कैरिंग कॉस्ट ऑफ सेफ्टी स्टॉक का काम किया, तो हमें पता चला कि देर इज जीरो कैरिंग कॉस्ट ऑफ सेफ्टी स्टॉक, और हमने यहाँ पे टोटल स्टॉक आउट कॉस्ट का जब काम किया तो हमें पता चला कि जी देर इज टोटल स्टॉक आउट कॉस्ट ऑफ 3,250, ठीक है? क्या रिपीट करना है, एक सेकेंड जरा मुझे एक मिनट दे दे, 3,250,000, ये अब जो ऊपर टेबल हमारा था ना फाइनल सोल्यूशन जिसमें हमें कंपेरिजन करना था, कैरिंग कॉस्ट ऑफ सेफ्टी स्टॉक जीरो है, तो टोटल कॉस्ट आपकी कितनी बनती है, दिस प्लस दिस, है ना? हमारी टोटल कॉस्ट कितनी बनती है, टोटल स्टॉक आउट कॉस्ट प्लस टोटल कैरिंग कॉस्ट। अच्छा जी, रिपीट क्या करना है, मेरी कंजम्पशन है 13,500, मैंने इन 2.7 वीक्स में कितना कंज्यूम करना है, मुझे कितनी जरूरत है, 13,500 यूनिट्स की जरूरत है। सेफ्टी स्टॉक तो तब होता है जब मेरी रीऑर्डर लेवल ज्यादा हो और मेरी कंजम्पशन कम हो, तो मेरा रीऑर्डर लेवल अगर होता 15,000 यूनिट्स तो मैं कहती अच्छा 15,000 यूनिट्स आया, मैंने ऑर्डर प्लेस किया और मेरा जो एवरेज लीड टाइम है उसमें मैंने 13,500 सिर्फ कंज्यूम किए, 15,000 में से 13,500 सिर्फ कंज्यूम करने हैं तो पीछे रह जाएगा स्टॉक, है ना, बच जाएगा, तो वो जो बचेगा स्टॉक वो हमारा सेफ्टी स्टॉक कहलाता है। ओवरव्यू एंड में देंगे अभी, क्योंकि तीन दो सिनेरियोज और हमें देखने हैं, ठीक है? तो अगर मैं एंड पे फिर दोबारा ओवरव्यू दे दूंगी, पहले हम आगे और चले, ठीक है? तो इधर क्या होगा, इधर देयर विल बी नो सेफ्टी स्टॉक, इधर कोई सेफ्टी स्टॉक का सिनेरियो ही नहीं है, क्यों? क्योंकि 12,000 यूनिट्स मेरे पास इन्वेंट्री में मौजूद थे, मैंने ऑर्डर प्लेस किया, फिर मेरा लीड टाइम शुरू हो गया, लीड टाइम में मैंने कंजम्पशन कितनी करनी है, 13,500, उल्टा मेरे पास यहाँ पे शॉर्टेज होगी, शॉर्टेज का ऊपर हम काम कर चुके हैं एवरेजिंग के बेसिस पे, है ना? शॉर्टेज का हम यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज यूनिट ऑफ स्टॉक आउट हम काम कर चुके हैं। यहाँ तक बात क्लियर होती है, कॉपी कर लिया सबने? अगर 80% या 50% भी बात समझ में आ रही है तो गुड हो गया, आगे हम दो और सिनेरियोस कर रहे हैं उसमें और क्लियर हो जाएगा। कॉपी कर लिया सबने? आगे चलू? चलें जनाब, ये तो हमारा हो गया रीऑर्डर लेवल, अगर हम 12,000 यूनिट रखते हैं तो हमारे पास ये सिनेरियो का थोड़ा लंबा सवाल होता है, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि आपने हर रीऑर्डर लेवल पे दोबारा से कैलकुलेशन करनी है, ठीक है? अब हम आते हैं पार्ट बी पे। अगर आप रीऑर्डर लेवल रखते हैं 15,000 यूनिट्स, तो आपको दोबारा से ये काम 15,000 यूनिट्स के लिए करना पड़ेगा, ठीक है? रीऑर्डर लेवल अगर आप रखते हैं 15,000 यूनिट्स, अब ये ट्रायल एंड एरर बेसिस पे यही होता है ना, थोड़ा काम लंबा होता है, ठीक है? तो हम वही करेंगे, लीड टाइम इन वीक्स, ये पूरा दोबारा से टेबल आप कॉपी करें, टेबल इसलिए करा रही हूँ कि इसमें बहुत आसानी रहती है, फिर लंबा तो हो जाता है लेकिन बहुत चीजें क्लियर आउट हो जाती है, 2, 3, 4, है ना? प्रोबेबिलिटी भी वही कॉपी हो जाएगी, 50%, 30% और 20%, ठीक है? ये तो वही हो गया, टोटल डिमांड एंड लीड टाइम ये भी सेम ही रहेगा जो हमने पहले कैलकुलेट किया, अब आपको हर चीज बार बार कैलकुलेट करने की हो सकता है जरूरत ना पड़े, है ना? टोटल डिमांड एंड लीड टाइम कितना होगा, 5,000 यूनिट्स आपको पर वीक चाहिए, तो दो हफ्तों में कितनी डिमांड बनेगी, वही जो हमने ऊपर कैलकुलेट किया, ये तो सेम ही रहेगा, है ना? 10,000, 15,000 और 20,000, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रीऑर्डर लेवल से तो थोड़ी इसका ताल्लुक, इसका ताल्लुक तो है डिमांड कितनी है और लीड टाइम कितना है, क्लियर हो गई बात? फर्क अब कहाँ पर आ जाएगा, फर्क अब यहाँ पर आ जाएगा, रीऑर्डर लेवल अब आपका हर सिनेरियो में अब आपने 15,000 यूनिट से कंसिडर करना है। अब बताइए जरा, हमारे पास अगर हमारा सप्लायर 2 वीक्स लेता है, अगेन जिन स्टूडेंट से कहूंगी वो जल्दी से जवाब देंगे, उम्मे हबीबा और शाहजेब शेख, मुझे जरा बताइए जल्दी से, अगर मेरा रीऑर्डर लेवल 15,000 यूनिट होता है तो मेरे, अगर मेरा सप्लायर 2 वीक्स लेता है फॉर टू डिलीवर माय ऑर्डर, तो मेरे स्टॉक आउट यूनिट्स कितने होंगे? उम्मे हबीबा एंड शाहजेब, शाहजेब कह रहे हैं नो स्टॉक आउट, उम्मे हबीबा कोई भी नहीं, वेरी गुड,
रीऑर्डर लेवल 15,000 यूनिट्स इन्वेंट्री में मौजूद हैं और आपको चाहिए सिर्फ 10,000 उन दो हफ्तों में, तो देर विल बी नो पॉसिबिलिटी, तो इसका एक्सपेक्टेड वैल्यू हो गया जीरो, है ना। आगे अब बताइए, रीऑर्डर लेवल 15 है, टोटल डिमांड एंड लीड टाइम भी 15 है, यहाँ पे भी बिल्कुल नेक इन नेक हम चल रहे हैं, लेकिन कोई स्टॉक आउट नहीं होगा, है ना, कोई स्टॉक आउट नहीं होगा। अब यहाँ पे स्टॉक आउट आ जाएगा, यहाँ पे अब स्टॉक आउट आ जाएगा अगर हमारा सप्लायर 4 वीक्स ले लेता है जिसमें हमें कंजम्पशन करनी है 20,000 की, तो उसका मतलब है 5,000 यूनिट्स का हमारे पास आ जाएगा स्टॉक आउट। अब इसकी पॉसिबिलिटी कितनी है, क्या है एक्सपेक्टेड वैल्यू इसकी, इस सिनेरियो की एक्सपेक्टेड वैल्यू 20% है, तो मेरे पास इसकी क्या आ जाएगी, 5,000 × 20% यानी कि 1,000 यूनिट। इज दैट क्लियर? ठीक है, यहां तक बात आई होप सबको समझ में आ गई है। तो इस पूरे रीऑर्डर लेवल अगर हम 15,000 रखते हैं, तो इस पूरे सिनेरियो में टोटल एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ माय स्टॉक आउट, एवरेज स्टॉक आउट यूनिट्स मेरे कितने यूज होंगे, 1000 यूनिट, है ना। तो मेरे पास क्या हो जाएगी, टोटल स्टॉक आउट कॉस्ट, अब मैं स्टॉक आउट कॉस्ट को पहले देखूंगी, टोटल स्टॉक आउट कॉस्ट विल बी एवरेज स्टॉक आउट यूनिट यानी कि 1000 मल्टीप्लाइड बाय स्टॉक आउट कॉस्ट पर यूनिट 100 रुपीज मल्टीप्लाइड बाय हाउ मेनी ऑर्डर्स, अभी भी 13 ऑर्डर्स हैं, ऑर्डर्स का ताल्लुक भी, नंबर ऑफ ऑर्डर्स का ताल्लुक भी रीऑर्डर लेवल से थोड़ी होता है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स का ताल्लुक किससे होता है, ऑर्डर साइज से, ऑर्डर साइज वही है ना, ऑर्डर साइज वही है। ईवी इज एक्सपेक्टेड वैल्यू, इज दैट क्लियर, यहां तक बात समझ आ गई। नंबर ऑफ ऑर्डर्स विल रिमेन द सेम, नंबर ऑफ ऑर्डर्स इंक्रीज डिक्रीज करते हैं बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ ऑन द ऑर्डर साइज, राइट, ये बात आप लोग देख भी चुके हैं। तो 1000 यूनिट एवरेज स्टॉक आउट है, 100 रुपीज पर यूनिट आपका हो गया स्टॉक आउट कॉस्ट पर यूनिट, और अब बस समझा इस कंफ्यूजन से बाहर आ जाए, ये चीज आप लोगों ने मैथ्स में पढ़ी हुई है, प्रोबेबिलिटीज। मेरे पास तीन चीज सिनेरियोज हैं, लेवल रखते हैं 15,000 यूनिट, पता चला कि जी देर इज टोटल होगा तो कितना होगा, 1000 / 20,000, ये क्या है नंबर ऑफ ऑर्डर्स, इज दैट क्लियर। तो टोटल स्टॉक आउट कॉस्ट एवरेज है ना, ये आपने क्या कैलकुलेट कर ली, दिस इज योर एवरेज स्टॉक आउट कॉस्ट फॉर द ईयर, कितना है एवरेज हम बेसिस पे कैलकुलेट कर रहे हैं, 100 × 2500 × 13 3250000, अगर तो आपका रीऑर्डर लेवल आप 12,000 यूनिट रखते हैं तो आपका टोटल स्टॉक आउट कॉस्ट निकलता है 3.25 मिलियन, इज दैट क्लियर। दूसरी चीज हमें क्या निकालनी है, टोटल कैरिंग कॉस्ट ऑफ सेफ्टी स्टॉक, यस है ना। अब पहला सवाल तो ये कि सेफ्टी स्टॉक कितना होगा, है ना, सेफ्टी स्टॉक का क्या फॉर्मूला हमने यूज करना है, सेफ्टी स्टॉक इज इक्वल टू रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज यूजेज मल्टीप्लाइड बाय एवरेज लीड टाइम, यस। अच्छा जी, अब यहां पर मुझे बताइए एवरेज यूजेज मल्टीप्लाइड बाय एवरेज लीड टाइम कैसे कैलकुलेट करेंगे, लीड टाइम आपके पास एक ही गिवन है, लीड टाइम सॉरी एवरेज यूजेज तो आपके पास 5000 यूनिट्स पर वीक है ना, यस और नो, ठीक है, तो आपकी एवरेज यूजेज तो आपको एक ही गिवन है, आप लेंगे 5000 यूनिट्स, यस यूनिट्स पर वीक, व्हाट अबाउट एवरेज लीड टाइम, हाँ जी वेरी गुड, एवरेज लीड टाइम में आपके पास अब लीड टाइम की तीन सिनेरियो है तो आप एक्सपेक्टेड कैलकुलेट कर लेंगे, 2 वीक्स की पॉसिबिलिटी है 50%, है ना, एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालेंगे लीड टाइम का, 2 वीक्स की पॉसिबिलिटी है 50%, 3 वीक्स की पॉसिबिलिटी है 30%, और 4 वीक्स की पॉसिबिलिटी कितनी है 20%, इज दैट क्लियर। तो आपके पास एक फिगर आ जाएगी, कितनी कितना अमाउंट आ रहा है, जी बात यहां तक सबको समझ आ रही है, आपने बेसिकली क्या कैलकुलेट करना है, सेफ्टी स्टॉक को अब आपने देखना है ना, 2.7 वीक्स, अच्छा जी, तो मैं क्या करूंगी, मेरी एवरेज कंजम्पशन इन लीड टाइम, है ना, यही हो गया ना, मेरी एवरेज कंजम्पशन इन लीड टाइम फिर कितनी निकलेगी, 5000 मल्टीप्लाइड बाय 2.7, यस और नो, मैंने सब चीजों को एवरेज आउट कर दिया, क्या आंसर आ रहा है,
अच्छा जी, मेरा रीऑर्डर लेवल कितना है मुझे बताइए, क्या सिनेरियो में कोई सेफ्टी स्टॉक होगा? होगा तो कितना होगा? 12,000 यूनिट्स की मेरी इन्वेंट्री थी, एवरेज कंजम्पशन एंड लीड टाइम मेरा 13,500 बनता है, क्या कोई सेफ्टी स्टॉक पीछे पड़ा रह जाएगा या नहीं? उल्टा शॉर्टेज वाला सिनेरियो, मतलब शॉर्टेज के चांसेस उसमें, इधर कोई सेफ्टी स्टॉक है ही नहीं, है ना? यहाँ पे कोई सेफ्टी स्टॉक है ही नहीं, रीऑर्डर लेवल आपका 12,000 यूनिट्स है, आपने कंज्यूम 13,500 करने, कंजम्पशन ज्यादा है रीऑर्डर लेवल से, तो कोई पीछे पड़ा है, बचेगा ही नहीं, कोई सेफ्टी स्टॉक होगा ही नहीं, तो इधर कोई सेफ्टी स्टॉक नहीं है, तो देर विल बी नो कैरिंग कॉस्ट ऑफ सेफ्टी स्टॉक एट रीऑर्डर लेवल ऑफ 12,000 यूनिट्स, इज दैट क्लियर? अब हम जरा टेबल को जरा फिल करते हैं, ये हमने टोटल कैरिंग कॉस्ट ऑफ सेफ्टी स्टॉक का काम किया, तो हमें पता चला कि देर इज जीरो कैरिंग कॉस्ट ऑफ सेफ्टी स्टॉक, और हमने यहाँ पे टोटल स्टॉकआउट कॉस्ट का जब काम किया तो हमें पता चला कि जी देर इज टोटल स्टॉकआउट कॉस्ट ऑफ 3,250। ठीक है, क्या रिपीट करना है, एक सेकेंड जरा मुझे एक मिनट दे दे, 3,250,000, ये अब जो ऊपर टेबल हमारा था ना फाइनल सोल्यूशन जिसमें हमें कंपेरिजन करना था, कैरिंग कॉस्ट ऑफ सेफ्टी स्टॉक जीरो है, तो टोटल कॉस्ट आपकी कितनी बनती है, दिस प्लस दिस, है ना? हमारी टोटल कॉस्ट कितनी बनती है, टोटल स्टॉकआउट कॉस्ट प्लस टोटल कैरिंग कॉस्ट। अच्छा जी, रिपीट क्या करना है, मेरी कंजम्पशन है 13,500, मैंने इन 2.7 वीक्स में कितना कंज्यूम करना है, मुझे कितनी जरूरत है, 13,500 यूनिट्स की जरूरत है। सेफ्टी स्टॉक तो तब होता है जब मेरी रीऑर्डर लेवल ज्यादा हो और मेरी कंजम्पशन कम हो, तो मेरा रीऑर्डर लेवल अगर होता 15,000 यूनिट्स तो मैं कहती अच्छा 15,000 यूनिट्स आया, मैंने ऑर्डर प्लेस किया और मेरा जो एवरेज लीड टाइम है उसमें मैंने 13,500 सिर्फ कंज्यूम किए, 15,000 में से 13,500 सिर्फ कंज्यूम करने हैं तो पीछे रह जाएगा स्टॉक, है ना, बच जाएगा, तो वो जो बचेगा स्टॉक वो हमारा सेफ्टी स्टॉक कहलाता है। ओवरव्यू एंड में देंगे अभी, क्योंकि तीन दो सिनेरियोज और हमें देखने हैं, ठीक है, तो अगर मैं एंड पे फिर दोबारा ओवरव्यू दे दूंगी, पहले हम आगे और चले, ठीक है। तो इधर क्या होगा, इधर देयर विल बी नो सेफ्टी स्टॉक, इधर कोई सेफ्टी स्टॉक का सिनेरियो ही नहीं है, क्यों? क्योंकि 12,000 यूनिट्स मेरे पास इन्वेंट्री में मौजूद थे, मैंने ऑर्डर प्लेस किया, फिर मेरा लीड टाइम शुरू हो गया, लीड टाइम में मैंने कंजम्पशन कितनी करनी है, 13,500, उल्टा मेरे पास यहाँ पे शॉर्टेज होगी, शॉर्टेज का ऊपर हम काम कर चुके हैं एवरेजिंग के बेसिस पे, है ना, शॉर्टेज का हम यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज यूनिट्स ऑफ स्टॉक आउट हम काम कर चुके हैं। यहाँ तक बात क्लियर होती है, कॉपी कर लिया सबने? अगर 80% या 50% भी बात समझ में आ रही है तो गुड हो गया, आगे हम दो और सिनेरियोस कर रहे हैं उसमें और क्लियर हो जाएगा। कॉपी कर लिया सबने? आगे चलूं? क्या रहे जनाब, ये तो हमारा हो गया रीऑर्डर लेवल, अगर हम 12,000 यूनिट्स रखते हैं तो हमारे पास ये सिनेरियो का थोड़ा लंबा सवाल होता है, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि आपने हर रीऑर्डर लेवल पे दोबारा से कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, अब हम आते हैं पार्ट बी पे। अगर आप रीऑर्डर लेवल रखते हैं 15,000 यूनिट्स तो आपको दोबारा से ये काम 15,000 यूनिट्स के लिए करना पड़ेगा। ठीक है, रीऑर्डर लेवल अगर आप रखते हैं 15,000 यूनिट्स, अब ये ट्रायल एंड एरर बेसिस पे यही होता है ना, थोड़ा काम लंबा होता है। ठीक है, तो हम वही करेंगे, लीड टाइम इन वीक्स, ये पूरा दोबारा से टेबल आप कॉपी करें, टेबल इसलिए करा रही हूँ कि इसमें बहुत आसानी रहती है, फिर लंबा तो हो जाता है लेकिन बहुत चीजें क्लियर आउट हो जाती है, 2, 3, 4, है ना, प्रोबेबिलिटी भी वही कॉपी हो जाएगी, 50%, 30% और 20%। ठीक है, ये तो वही हो गया, टोटल डिमांड एंड लीड टाइम ये भी सेम ही रहेगा जो हमने पहले कैलकुलेट किया, अब आपको हर चीज बार बार कैलकुलेट करने की हो सकता है जरूरत ना पड़े, है ना। टोटल डिमांड एंड लीड टाइम कितना होगा, 5,000 यूनिट्स आपको पर वीक चाहिए, तो दो हफ्तों में कितनी डिमांड बनेगी, वही जो हमने ऊपर कैलकुलेट किया, ये तो सेम ही रहेगा, है ना, 10,000, 15,000 और 20,000, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रीऑर्डर लेवल से तो थोड़ी इसका ताल्लुक, इसका ताल्लुक तो है डिमांड कितनी है और लीड टाइम कितना है, क्लियर होगी बात। फर्क अब कहाँ पर आ जाएगा, फर्क अब यहाँ पर आ जाएगा, रीऑर्डर लेवल अब आपका हर सिनेरियो में अब आपने 15,000 यूनिट से कंसिडर करना है। अब बताइए जरा, हमारे पास अगर हमारा सप्लायर 2 वीक्स लेता है, अगेन जिन स्टूडेंट से कहूंगी वो जल्दी से जवाब देंगे, उम्मे हबीबा और शाहजेब शेख, मुझे जरा बताइए जल्दी से, अगर मेरा रीऑर्डर लेवल 15,000 यूनिट होता है तो मेरे
अगर मेरा सप्लायर 2 वीक्स लेता है फॉर टू डिलीवर माई ऑर्डर, तो मेरे स्टॉक आउट यूनिट कितने होंगे? उम्मे हबीबा एंड शाहजेब. शाहजेब कह रहे हैं नो स्टॉक आउट. उम्मे हबीबा, कोई भी नहीं. वेरी गुड. रीऑर्डर लेवल 15,000 यूनिट इन्वेंट्री में मौजूद है और आपको चाहिए सिर्फ 10,000 उन 2 हफ्तों में. तो देर विल बी नो पॉसिबिलिटी. तो इसका एक्सपेक्टेड वैल्यू हो गया 0, है ना. आगे अब बताइए, रीऑर्डर लेवल 15 है, टोटल डिमांड एंड लीड टाइम भी 15 है. यहाँ पे भी बिल्कुल नेक इन नेक हम चल रहे हैं, लेकिन कोई स्टॉक आउट नहीं होगा, है ना. कोई स्टॉक आउट नहीं होगा. अब यहाँ पे स्टॉक आउट आ जाएगा. यहाँ पे अब स्टॉक आउट आ जाएगा अगर हमारा सप्लायर 4 वीक्स ले लेता है, जिसमें हमें कंजम्पशन करनी है 20,000 की, तो उसका मतलब है 5,000 यूनिट का हमारे पास आ जाएगा स्टॉक आउट. अब इसकी पॉसिबिलिटी कितनी है, क्या है एक्सपेक्टेड वैल्यू इसकी? इस सिनेरियो की एक्सपेक्टेड वैल्यू 20% है, तो मेरे पास इसकी क्या आ जाएगी, 5,000 × 20% यानी कि 1,000 यूनिट. इज दैट क्लियर? ठीक है, यहां तक बात आई होप सबको समझ में आ गई है. तो इस पूरे रीऑर्डर लेवल अगर हम 15,000 रखते हैं, तो इस पूरे सिनेरियो में टोटल एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ माय स्टॉक आउट, एवरेज स्टॉक आउट यूनिट्स मेरे कितने यूज होंगे, 1000 यूनिट, है ना. तो मेरे पास क्या हो जाएगी, टोटल स्टॉक आउट कॉस्ट. अब मैं स्टॉक आउट कॉस्ट को पहले देखूंगी. टोटल स्टॉक आउट कॉस्ट विल बी एवरेज स्टॉक आउट यूनिट यानी कि 1000 मल्टीप्लाइड बाय स्टॉक आउट कॉस्ट पर यूनिट 100 रुपीज मल्टीप्लाइड बाय हाउ मेनी ऑर्डर्स. अभी भी 13 ऑर्डर्स है. ऑर्डर्स का ताल्लुक भी, नंबर ऑफ ऑर्डर्स का ताल्लुक भी रीऑर्डर लेवल से थोड़ी होता है. नंबर ऑफ ऑर्डर्स का ताल्लुक किससे होता है, ऑर्डर साइज से. ऑर्डर साइज वही है, है ना. ऑर्डर साइज वही है. ईवी इज एक्सपेक्टेड वैल्यू. इज दैट क्लियर? यहां तक बात समझ आ गई. नंबर ऑफ ऑर्डर्स विल रिमेन द सेम. नंबर ऑफ ऑर्डर्स इंक्रीज डिक्रीज करते हैं बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ ऑन द ऑर्डर साइज, राइट. ये बात आप लोग देख भी चुके हैं. तो 1000 यूनिट एवरेज स्टॉक आउट है, 100 रुपीज पर यूनिट आपका हो गया स्टॉक आउट कॉस्ट पर यूनिट. और अब बस समझा, इस कंफ्यूजन से बाहर आ जाएं. ये चीज आप लोगों ने मैथ्स में पढ़ी हुई है, प्रोबेबिलिटीज. मेरे पास 3 चीज सिनेरियोज हैं, मेरे पास 3 आउटकम्स हो सकते हैं. तो मैं कौन से आउटकम पे जाऊंगी, मैं क्या कहूंगी, मेरा लीड टाइम कितना होगा, 2 होगा 3 होगा 4 होगा. हम कुछ नहीं करेंगे, एवरेजिंग आउट कर रहे हैं. एक्सपेक्टेड वैल्यू सिंपली एवरेजिंग आउट यूजिंग प्रोबेबिलिटीज. जहां पे अनसर्टेनिटी आ जाती है वहां पे हम क्या यूज करते हैं, एवरेज आउट यूज कर, एवरेज यूज करते हैं. अब बस इसकी से बाहर निकल आए, ठीक है. अब अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो अब कभी कभार ऐसा होता है कि अगर बहुत ज्यादा कोई चीज आपको कंफ्यूज कर रही होती है ना, तो उसको एक्सेप्ट कर लें एज इट इज एंड मूव ऑन. उसको याद कर लें कि ऐसे ही करना है. आगे जाके सब अकाउंटिंग आपको इंशाल्लाह समझ में आ जानी है. सीए करने के 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 10 साल के बाद कभी ना कभी इंशाल्लाह आप लोगों को समझ में आ जाती है. वर्किंग कर करके उसको, प्रैक्टिस उसको कर करके अकाउंटिंग लेवल आप पहली दफा में आप एक्सपेक्ट मत करें कि आपको क्लिक फौरन से कर जाएगी अकाउंटिंग. मैं आपको सच्ची बात बताऊं, अकाउंटिंग में बहुत सारी ऐसी चीजें जो कि मुझे पढ़ाने के बाद समझ में आई है. और ये एक टिप भी आप लोगों के लिए, आप लोग, ये बात मेरे टीचर्स, मेरे सीनियर्स ने मुझे दी थी फॉर्म में. There's one concept called deferred tax, ठीक है. अब deferred tax जो है ना, वो मुझे समझ नहीं आ रहा था. मतलब ये advanced level पे जब हम deferred tax पढ़े थे, तो CAF level पे तो बड़ा आसान सा था, right? लेकिन जब मैं advanced level पे जब हम पढ़ने आए, तो मुझे वो चीज concept समझ नहीं आ रहा था. अब मैं अपने seniors को पूछूं कि आप, obviously बात है, audit में आप इसको देखते हैं, तो आप मुझे समझा दें. उन्होंने मुझे एक टिप दी, तो मैं अगर कोई चीज समझ में ना आ रही हो ना, उसको पढ़ा दो किसी स्टूडेंट का, स्टूडेंट को पढ़ा दो किसी जो है वो अपने फ्रेंड को पढ़ा दो, राइट. अब उसके 2 आउटकम्स हो सकते हैं, या तो आप अपने साथ साथ अपने फ्रेंड को भी ले डूबेंगे, राइट, या फिर ये कि जो चीज आपको समझ नहीं आ रही थी ना, वो आपको समझ आ जाएगी पढ़ाने से. उसको ऑब्वियसली बात है, जब आप पढ़ाते हो ना, तो आप उसको स्टडी करते हो आप पहले. अब जैसे मैंने भी लेक्चर प्रिपेयर करने से पहले क्या होता है, एवरी नाइट लाइक बिफोर क्लास मेरा क्या होता है, मैं चीज को समझ रही होती हूँ, मैं एग्जाम्पल्स बना रही होती हूँ, मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रही होती हूँ, राइट. तो जब आप किसी को पढ़ाते हो ना, तो आप थोड़ा क्रिटिकल तरीके से सोच रहे होते हो, डिफरेंट तरीके से सोच रहे होते हो. ये अल्लाह ताला ने दिमाग में रखा हुआ है, ठीक है. तो ये चीज है आपकी, आपको बहुत सारी चीजें जो है ना, वो आगे जाके 100% क्लिक करेंगी. गिव योर सेल्फ सम रूम. थोड़ी सी चीज आपको कंफ्यूज कर सकती है, और हो सकता है वो आपको आगे जाके आगे तक कंफ्यूज रखे, लेकिन आपने उसमें उलझना नहीं है.
ठीक है, उलझना बिल्कुल भी नहीं है। कोई चीज आपको आप ट्राई कर रहे हो, आपने ट्राई करना है कि अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो, राइट। ये नहीं करना है और समझ ही नहीं आ रहा, क्लास लिया है समझ नहीं आ रहा और मैम ने कहा था समझने की जरूरत नहीं है, रटा मार लो आगे चलो। नहीं, मैं ये कह रही हूँ अगर आप बहुत ज्यादा किसी चीज पे टाइम लगा रहे हो और आपको वो फिर भी बात समझ में नहीं आ रही तो मूव ऑन, मैं ये कह रही हूँ, ठीक है। तो बिल्कुल उसके ऊपर वो बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट मत करें, उसको बस एक प्रोसेस का पार्ट समझ के ना उसको याद कर लें कि अच्छा बस एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है तो निकालनी है। अब क्यों निकालनी है, कुछ स्टूडेंट्स को फौरन से समझ में आ गया, कुछ स्टूडेंट्स को अभी समझ में नहीं आ रहा। आप प्रैक्टिस करेंगे, हो सकता है क्लास के बाद आप क्वेश्चन जो मैं आपको दूंगी होम असाइनमेंट में वो आप सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाते, ठीक है। तो 3 मिनट आप, लेकिन मैंने आपको कहा कि मैं टाइम एक्सटेंड कर रही हूँ, क्लास एक्सटेंड कर रही हूँ। चले जी, तो टोटल स्टॉक आउट कॉस्ट होगी ₹1.3 मिलियन और क्या है आपके पास, टोटल कैरिंग कॉस्ट ऑफ सेफ्टी स्टॉक। बच्चे मुझे ये कंप्लीट करना है इन एनी केस, ठीक है। टोटल, और मैं यही करूंगी सैटरडेज को मैं थोड़ा टाइम ले लिया करूंगी ताकि हमारा जो है वो ऑन ट्रैक हम रहे, ठीक है। आगे चलते हैं, तो टोटल कैरिंग कॉस्ट ऑफ सेफ्टी स्टॉक। अब बताइए कौन मैं 2 मिनट 11:15 हो रहे हैं ना, 11:18 तक मैं आपको 3 मिनट दे रही हूँ, मुझे जरा कैलकुलेट पहले करके बताएंगे कि सेफ्टी स्टॉक कितना है भी या नहीं, है ना। और अगर सेफ्टी स्टॉक है क्या फॉर्मूला यूज करना है, रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज कंजम्पशन, है ना, एवरेज कंजम्पशन इन लीड टाइम। और एवरेज कंजम्पशन इन लीड टाइम किस तरह से निकलता है ये आपको पता है, एवरेज कंजम्पशन इन लीड टाइम इज इक्वल टू एवरेज डिमांड मल्टीप्लाइड बाय एवरेज यूजर्स, है ना, लीड टाइम, सॉरी वर्किंग सारी हम कर चुके हुए हैं। एवरेज डिमांड इज 5000 यूनिट्स, एवरेज लीड टाइम आपने ऊपर कैलकुलेट कर लिया था इस लेवल पे, यही है ना। एवरेज लीड टाइम आपका कितना है, एवरेज लीड टाइम 2.7 वीक्स ही है, ठीक है, क्योंकि प्रोबेबिलिटीज रीऑर्डर, इस रीऑर्डर लेवल पे भी प्रोबेबिलिटीज सेम ही है तो आपको बार बार कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। तो मुझे जरा पहले कैलकुलेट करके बताएं सेफ्टी स्टॉक कितना है और सेफ्टी स्टॉक की कैरिंग कॉस्ट कितनी है, ठीक है जनाब। FAR2 की क्लास से पहले ऑफ हो जाएगा, नहीं तो मुझे बात बताएं आप लोगों की हर रोज FAR2 की क्लास 11:45 पे होती है या सिर्फ सैटरडे को सर एक्सटेंड पहले लेते हैं क्लास, अच्छा सैटरडे ओनली, ठीक है ठीक है। तो मिस होमा हमारे लिए टाइम छोड़ जाती है ना, 11:40 में मुझे आप रिमाइंड करा देंगे कि टाइम इज अप, जल्दी से इसको सॉल्व करें जल्दी से। शाहजेब शेख कह रहे हैं कि सेफ्टी स्टॉक इज 1500 जी, और 1500 स्टॉक आउट नहीं है, सेफ्टी स्टॉक है जेबा, सेफ्टी स्टॉक है, वेरी गुड। सेफ्टी स्टॉक पे जब हम आते हैं तो हमारे पास क्या होता है, सेफ्टी स्टॉक इज इक्वल टू रीऑर्डर लेवल कितना है, 15000, है ना। जब हम देखते हैं तो हमारा रीऑर्डर लेवल एवरेज कंजम्पशन कितना हो गया, एवरेज कंजम्पशन इन लीड टाइम इज इक्वल टू, जब हम वर्कआउट करते हैं एवरेज डिमांड इज 5000 मल्टीप्लाइड बाय एवरेज लीड टाइम इज 2.7 वीक्स, राइट। तो हमारा यहाँ पे भी कंजम्पशन हमारा हर सिनेरियो में 13500 यूनिट ही रहेगा। मेरी बात गौर से सुनिएगा, रीऑर्डर लेवल है 15000 यूनिट, इन्वेंट्री 15000 यूनिट आपके पास पड़े हुए थे, आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया, जितना टाइम सप्लायर ने लिया उसमें 13500 सिर्फ कंज्यूम हुए तो पीछे बच जाएंगे ना। अब सेफ्टी स्टॉक हम कहेंगे कितना है, 15000 रीऑर्डर लेवल है, एवरेज कंजम्पशन बन रही है 13500, यानी कि जो 1500 यूनिट्स हमारे पास है वो सेफ्टी स्टॉक है। अब बात समझ आई, तो मुझे बताइए इससे रिलेटेड क्या होगा, कैरिंग कॉस्ट ऑफ सेफ्टी स्टॉक 1500 यूनिट मल्टीप्लाइड बाय हाउ मच, कितना था, 800 पर यूनिट पर एनम, है ना। ऑन एन एवरेज कैरिंग सेफ्टी स्टॉक हमारा इतना हो गया, तो 1500 मल्टीप्लाइड बाय 800, 1.2 मिलियन। चलें जी, अब टोटल निकालना है, 1.3 मिलियन स्टॉक आउट कॉस्ट है और 1.2 मिलियन कैरिंग कॉस्ट ऑफ सेफ्टी स्टॉक है, तो 1.3 मिलियन और 1.2 मिलियन, तो टोटल कितना बनता है, दिस प्लस दिस 2.5 मिलियन, इज दैट क्लियर, यस और नो। अब बताएं जिनको कैरिंग कॉस्ट ऑफ सेफ्टी स्टॉक में पहले प्रॉब्लम आ रहा था उनको अब बात क्लियर है, 5 मिनट दे रही हूँ, मुझे जल्दी से 18000 यूनिट्स की दोनों फिगर्स बताइए कैलकुलेट करके जल्दी से 5 मिनट्स में, क्योंकि अब ये आपको आ जाना चाहिए, टेबल बनाना सिर्फ मुश्किल है, बाकी सारी वर्किंग्स आपने की हुई है,
मुश्किल क्या है, थोड़ा टाइम लगता है और टाइम में भी कोई मसला नहीं है। दिलशाद काइंडली कॉन्टेक्ट मिस फरा फॉर दिस बच्चे। 5 मिनट्स जल्दी से। 18,000 रीऑर्डर लेवल होता है तो मेरा टोटल स्टॉकआउट कॉस्ट क्या होगी और टोटल कैरिंग कॉस्ट क्या होगी? 11:20 हो रहे हैं, 11:25 पे मुझे जवाब चाहिए सबके। एमआरएफ कहते हैं टोटल स्टॉकआउट कॉस्ट इज 5.2 मिलियन, कैरिंग कॉस्ट इज 5.2 मिलियन एज वेल। दोनों 5.2 मिलियन है, आर यू श्योर? रिकैलकुलेट करें जरा, देखें आपने ठीक कैलकुलेट किया नहीं किया। अच्छा 5,20,000, ठीक है ठीक है। पहला हो गया 5,20,000 और दूसरा कितना है? कैरिंग कॉस्ट कितना है? 55.2 मिलियन। अच्छा जी ठीक है, पहली फिगर तो ठीक है, दूसरी फिगर ठीक नहीं है, सेफ्टी स्टॉक की फिगर ठीक नहीं है जी। अभी आप डिसीजन पे अभी ना आए, पहले आप मुझे टोटल बताते रहें, अभी हम डिसीजन हमने नहीं लिया। 3 ऑप्शंस रीऑर्डर्स के हैं आपके पास, आपने इन दोनों में तीनों में से कोई एक सिलेक्ट करना है कि किस रीऑर्डर लेवल को हम फिक्स करेंगे तो हमारा जो है वो टोटल कॉस्ट सबसे कम होगी। 5.2 मिलियन चाहिए, अभी भी ठीक नहीं है मोहम्मद आसिफ। $3.6 मिलियन इज कैरिंग कॉस्ट, वेरी गुड। और जो स्टूडेंट्स मुझे जवाब नहीं देंगे ना, मैंने खास उनसे ही जवाब मांगने हैं, तो इसलिए सारे जरा चैट बॉक्स में दोनों फिगर्स लिखते रहे, एक ही मैसेज में लिख दें फाइव जो भी आपका उसका है स्टॉकआउट कॉस्ट और सेफ कैरिंग कॉस्ट। ठीक है मौजम, वेरी गुड। सारिम ये है स्टॉक आउट कॉस्ट राइट, ठीक है मोहम्मद आसिफ। उमे अबीबा वेरी गुड। और कैरिंग कॉस्ट कितनी है सेफ्टी स्टॉक की सारिम? वेरी गुड अमन। 40,000 टोटल स्टॉक आउट हमजा, नहीं है सही, गलत अमाउंट है, रिकैलकुलेट करें। स्टॉक आउट इज हमजा, आप अपना मुझे टोटल एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ स्टॉक आउट बताओ, एक्सपेक्टेड यूनिट्स ऑफ स्टॉक आउट कितने हैं, एवरेज स्टॉक आउट यूनिट्स कितने हैं? स्टॉक आउट इज 5,20,000, आकिफ वेरी गुड, फरजीन वेरी गुड, हमजा बच्चे रिकैलकुलेट, सना वेरी गुड, स्टॉक आउट कॉस्ट इज 5,20,000 शाहजेब एंड कैरिंग कॉस्ट इज 3.6 मिलियन, वेरी गुड हमजा इमरान जी जनाब, 400 यूनिट से जरा रिकैलकुलेट करें फिर कितनी बनती है स्टॉक आउट कॉस्ट कितनी बनती है। अब्दुल्ला मुनीर ऑर्डरिंग कॉस्ट इज, ऑर्डरिंग कॉस्ट कहाँ से आ गया बेटा, स्टॉक आउट कॉस्ट है ना, और 5,30 नहीं है 5,20 है अब्दुल्ला। कैरिंग कॉस्ट इज फाइन, ऑर्डरिंग कॉस्ट पहली बात तो ये कि है नहीं, स्टॉक आउट कॉस्ट है, 5,30 नहीं है, गलत है। कैरिंग कॉस्ट इज 3.6 मिलियन, सुंदर वेरी गुड, मोहसिन वेरी गुड, हमजा इमरान 52,000 लिखा है, आई एम अज्यूमिंग इट्स 5,20,000, ठीक है अब्दुल्ला फिगर गलत है, 5,30 नहीं है 5,20 होना चाहिए, वेरी गुड। चले जी अब मैं यहाँ पे मुझे सॉल्व करने की हाजिर जरूरत नहीं है, आपका टोटल स्टॉक आउट कॉस्ट आना चाहिए 5,20,000, आपके एवरेज स्टॉक आउट यूनिट्स हैं, ठीक है अब्दुल्ला आपके एवरेज स्टॉक आउट यूनिट्स हैं, स्टॉक आउट यूनिट्स हैं 400, टेबल के थ्रू आप निकालेंगे है ना, तो 400 × 100 × 13 आंसर आएगा 5,20,000। टोटल कैरिंग कॉस्ट ऑफ सेफ्टी स्टॉक इस सिनेरियो में सेफ्टी स्टॉक है 18,000 रीऑर्डर लेवल है, 13,500 कंजम्पशन है, तो पीछे बच कितने जाएंगे 18,000 अगर आप रीऑर्डर लेवल रखते हैं तो हर दफा एक्सपेक्टेड है
कि आपका एवरेज सेफ्टी स्टॉक आपका होगा 4,500 यूनिट्स, राइट? तो 4,500 इंटू 800 रुपी पर यूनिट, ये आपके पास आता है 3.6 मिलियन. तो यहाँ पे आपके पास टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, यहाँ पे आपके पास टोटल कॉस्ट हो जाएगी 4,120,000. इज दैट क्लियर? ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, अब यहाँ पे डिसीजन मेकिंग आएगी, यहाँ पे अब डिसीजन मेकिंग आएगी. कौन सा ऐसा रिओर्डर लेवल है जिस पे द टोटल कैरिंग कॉस्ट ऑफ सेफ्टी स्टॉक और द टोटल जो है वो स्टॉक आउट कॉस्ट आपका सबसे मिनिमम हो जाता है, टोटल सबसे मिनिमम. यहाँ पे इक्विलिब्रियम नहीं आएगा बाय द वे, यहाँ पे इक्वल नहीं आएगा, ठीक है? यहाँ पे अब हम इक्वल नहीं उसको लेंगे, हमने टोटल को देखना है कि टोटल सबसे कम कहाँ पे होगा. तो हम अपने मैनेजमेंट को क्या कहेंगे, जी आपने जो रीऑर्डर लेवल अब फिक्स करना है ना, ट्रायल एंड एरर बेसिस पे हमने देखा है कि अगर हम रीऑर्डर लेवल जो है वो 15,000 यूनिट्स रखते हैं ना, तो प्रोबेबिलिटीज को इन्वॉल्व करके हमारे पास सबसे लो यहाँ पर आएगा. इज दैट क्लियर? तो आर आंसर वुड बी व्हाट, आर आंसर वुड बी द रीऑर्डर लेवल शुड बी टू द 15,000 यूनिट्स. टोटल कैरिंग कॉस्ट एक बार बताएं किस चीज का, अगर रीऑर्डर लेवल आपका 18,000 यूनिट्स होता है तो सेफ्टी स्टॉक आपका कितना होता है? सेफ्टी स्टॉक का फॉर्मूला है रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज कंजम्पशन, 13,500, वो 13,500 ही रहेगी. तो आपका सेफ्टी स्टॉक यूनिट्स कितने होंगे? 4,500. यस, तो कैरिंग कॉस्ट कैलकुलेट कर लें. कैरिंग कॉस्ट ऑफ सेफ्टी स्टॉक इज इक्वल टू 4,500 मल्टीप्लाइड बाई 800 रुपी पर यूनिट पर एनम, 3.6 मिलियन. ठीक है, चलें जी, होम असाइनमेंट नोट कीजिए. प्रैक्टिस क्वेश्चन है ये, बाय द वे मेरे पास अभी भी जो है ये ओल्ड एडिशन ही है, तो जो अपलोड हुआ है ना LMS के ऊपर, ये उसमें से मैं आपको क्वेश्चंस दे रही हूँ. तो अगर किसी ने नई बुक खरीद ली है पैक की, तो वो काइंडली होम असाइनमेंट के लिए रेफर करें जो LMS पे अपलोडेड है. प्लीज, योर होम असाइनमेंट इज प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 2. अच्छा जी, प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 2 में सिर्फ एक चीज मुझे आपको बतानी है. रिक्वायरमेंट में वही आ रहा है, डिटरमिन एट विच ऑफ द फॉलोइंग रीऑर्डर प्रॉफिट लेवल स्केल्स प्रॉफिट विल बी मैक्सिमाइज्ड. ठीक है, कि हमने वही देखना है प्रॉफिट मैक्सिमाइज कहाँ पर होगा, जहां पर टोटल कॉस्ट कब सबसे कम होगी, है ना, वही वाली बात है. उसने बता दिया कि रीऑर्डर लेवल नहीं, अभी हम एक और एग्जाम्पल कर रहे हैं बच्चे, पार्टी तो अभी शुरू हुई है, अभी 15 मिनट हैं, 10 मिनट हैं. ठीक है, आपने रीऑर्डर लेवल पहले फिक्स करना है कि अगर आप 1000 यूनिट्स जो हैं वो रखते हैं रीऑर्डर लेवल, तो आपका क्या होगा. अच्छा जी, चला देखते हैं इसके बारे में. रीऑर्डर लेवल अगर आपका 1000 यूनिट्स आप रखते हैं तो आपकी टोटल कॉस्ट कितनी होगी. रीऑर्डर लेवल अगर आप 450 यूनिट्स रखते हैं तो कितनी कॉस्ट होगी. फिर उसने एक और रीऑर्डर लेवल दिया, एक्सपेक्टेड डिमांड ड्यूरिंग लीड टाइम. ये क्या है, किसी को आइडिया है? अगर हम रीऑर्डर लेवल रखते हैं इक्वल टू एवरेज कंजम्पशन इन लीड टाइम, सिंपल एज दैट. बात समझ आ रही है? तो बेसिकली जो प्रैक्टिस क्वेश्चन कौन सा है, प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 2 है. जी बिल्कुल, मैं एंड कर देती हूँ, नो वरीज. प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 2 में आपने बेसिकली, ओहो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन. अच्छा जी, बिल्कुल जरूर आशा साहब, मैं कह रही हूँ फिक्र ना करें. रीऑर्डर लेवल आपने पहले कैलकुलेट करना है कि अगर रीऑर्डर लेवल आपका 1000 यूनिट्स होगा तो हमारा क्या सिनेरियो होगा. बी में आपने करना तो रीऑर्डर लेवल लीड टाइम हो तो फिर क्या हमारा होगा. यहाँ पे इसने नंबर ऑफ यूनिट्स नहीं आपको बताए हुए, तो क्या करने हैं, नंबर ऑफ यूनिट्स पहले निकालेंगे कि व्हाट इज मेंट बाय एक्सपेक्टेड डिमांड ड्यूरिंग लीड टाइम. तो बेसिकली ये क्या है, वो कह रहा है कि एवरेज कंजम्पशन ड्यूरिंग लीड टाइम कितनी है. यानी कि आप क्या कैलकुलेट करेंगे, रीऑर्डर लेवल आप कहेंगे कितना होगा एवरेज डिमांड मल्टीप्लाइड बाय एवरेज लीड टाइम. अब बात समझ आई? ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ यूनिट्स जो कैलकुलेट होंगे. अब यहाँ पे एक बात देखिएगा, इधर जो अनसर्टेनिटी हो रही है ना, हमने अभी जो एग्जांपल की बस उसको सिर्फ स्टडी करेंगे उसके बाद खत्म. हमने जो अभी एग्जांपल पढ़ी है उसमें अनसर्टेनिटी किस चीज में आ रही थी, लीड टाइम में. बात समझ आ रही है ना, उसमें अनसर्टेनिटी क्या थी, सप्लायर 3 हफ्ते लेता है, 2 हफ्ते लेता है, 4 हफ्ते लेता है.
यहाँ पे इस क्वेश्चन में अनसर्टेनिटी आ रही है यूजेज में, बाकी काम वही होगा, सब वही होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास लीड टाइम जो है वो मोर और लेस हमारा वन मंथ है, ठीक है। लीड टाइम आपका वन मंथ है, प्रोबेबिलिटी अब किस में आ रही है, अब आ रही है प्रोबेबिलिटी यूजेज में कि इस एक महीने में हमें 1000 यूनिट्स चाहिए, उसकी पॉसिबिलिटी है 30%। इस एक महीने में हमें 660 यूनिट्स चाहिए, इसकी पॉसिबिलिटी है 50%। इस एक महीने में हमें 450 यूनिट्स चाहिए, इसकी पॉसिबिलिटी है 20%। नाउ लेट्स सी हाउ यू यूज द एग्जांपल दैट वी हैव सॉल्वड इन क्लास टुडे एंड अप्लाई इट ऑन प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 2। अब इसमें आपकी सम अंडरस्टैंडिंग का मुझे समझ में आ जाएगा, पीछे से देख के सॉल्व नहीं करना, ये मैं बता रही हूं अभी से, पीछे से देख के सॉल्व नहीं करना, आपने पहले खुद से सॉल्व करना है। कितना टाइम देंगे इस सवाल को, 17 मार्क्स का सवाल है तो 1.8 मिनट या चलें 2 मिनट्स पर मार्क के हिसाब से 34 या 35 मिनट्स पहले कोशिश करना है, लेकिन क्योंकि पहली दफा आप लोग अटेम्प्ट कर रहे हो खुद से तो यू कैन टेक मोर टाइम, नो इश्यूज। इज दैट क्लियर? चलें यहीं तक मैं क्लास रख रही हूं। हमारा अभी एक चीज जो है वो रहती है, ठीक है, वो हम इंशाल्लाह फिर करेंगे। हाँ, ये एक जो मैंने आपको कहा था ना कि इस चीज को हम सेफ्टी स्टॉक के ऊपर भी अप्लाई करेंगे, सिर्फ अब मैंने आपको एक एग्जांपल करानी है, वो उसमें अब ऑब्वियसली बात है कम टाइम लगेगा। फिर हमने JIT और ABC सिस्टम करना है, बाकी सब हम अल्हम्दुलिल्लाह कर चुके हैं, ठीक है। अब आप मुझे बताइए, the ones who want to leave they can leave and the ones who have some questions please ask your questions now. Mic on kar le, chat box mein type kar le whatsoever. Ji janab, aur mujhe zara is baat ki tasalli de dein ke at least 80% of what we have studied wo samajh mein aaya ya nahi, 50% chale kar dein, bench pe niche kar dete hain. Ji janab, jo bhi tak padha hai usme ja gaya hua hai. और दूसरा ये पूछना था कि टेस्ट इसका कब तक कंडक्ट किया जाएगा, और तीसरा ये कि हमारा सिलेबस की जो डेडलाइन है कब तक कवर हो रहा है। सिलेबस की डेडलाइन बिल्कुल, टेस्ट मैंने आपको बताया इट्स ऑन 24th of October, और टेस्ट में JIT और ABC मैं शामिल करूंगी नहीं करूंगी ये मैं आपको बताऊंगी मंडे को, तो एटलीस्ट वीकेंड पे संडे तक आपने आज और कल जो तैयारी करनी है वो करनी है जहां तक हमने अभी किया है। यानी के अगर मैं आपको बताऊं तो पैक क्वेश्चन बैंक का जो पुराना क्वेश्चन बैंक है उसका हमने कहां तक कर लिया है, हमने कर लिया है यहां तक, ठीक है, ये है पेज नंबर 18 तक, ठीक है। पेज नंबर 18 में आगे ABC मेथड है और बीच में एक जगह पे JIT लिखा हुआ है, JIT इग्नोर करना है, JIT अभी हम करेंगे, ठीक है। तो पेज नंबर 16 पे JIT मेंशन हुआ है, ये हमने अभी तक नहीं किया, और हमने आखिरी पेज पे जो ABC है वो हमारा रहता है, ठीक है। तो टेस्ट आपका इंशाल्लाह थर्सडे को, जहां तक हमने आज तक पढ़ा है वहां तक ही आप तैयारी करेंगे। दूसरी बात रही कोर्स कंप्लीशन की, तो जो ऑफिशियली आपको कम्युनिकेट किया जाता है टीचर्स भी वही कहते हैं कि जी कोर्स कंप्लीशन उसी डेट पे है, लेकिन ऑल ऑफ यू नो बेटर, राइट। चीजें थोड़ी बिखरी हुई फील हो रही है तो आपका काम है उसको जमा करना, ठीक है। कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा हैं, अब जमा आपने ही करना है ना, मैंने तो आपको कॉन्सेप्ट वाइज सारा बता दिया, अब जोन से सवाल में जोन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है दिस इज योर काम नॉट माइन, है ना। तो बिखरना बिखरी भी होती है हर चीज, इसी तरह से होता है आपको हर सिनेरियो वाइज, मेरे ख्याल से तो हमने जो है वो किया है सारी चीजें हमने स्टेप बाय स्टेप की हैं। पहले हमने इग्नोर किया है ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट, और फिर हम EOQ पर आ गए, फिर उसके बाद हम आए हैं जी, हमने एक इन्वॉल्व किया EOQ के अंदर अगर ट्रेड डिस्काउंट होता है, और अब हम स्टॉक आउट के ऊपर आए हैं, तो इसमें बिखरा हुआ मुझे तो नहीं लग रहा कोई, ठीक है। ऑब्वियसली बात है पहली दफा आप पढ़ रहे हैं तो चीजें आपको कनेक्ट करने में प्रॉब्लम होगी। ओहो टेंशन क्यों, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अच्छा जी 79.99% समझ आ गई है, चलें जी इसको 80% कर दें तो ज्यादा अच्छा होगा जी। एग्जाम्पल स्क्रॉल करना है, यू हैव जॉइन क्लास लेट, एग्जाम्पल ये थी। और जनाब और किसी का सवाल मैंने रीड करने से, अच्छा पार्ट सी उम्मे हबीबा, पार्ट सी क्या चीज,
जो अभी मैंने होम असाइनमेंट दिया है उसका पार्ट सी या एग्जाम्पल का पार्ट सी? जी जनाब, रिवाइज करेंगे तो क्लियर होगा, वरना तो नहीं। असाइनमेंट का पार्ट सी। अच्छा जी दर्शाद साहब, आप अगर मुझे 2 मिनट देते हैं, आपने कॉपी करना है, छापा मारना है, इसलिए मैं आपको थोड़ा साइड पे कर रही हूँ, आपको मैं भी टाइम देती हूँ। आपका होम असाइनमेंट ये रहा। अभी जो हमने एग्जाम्पल किया है, हमें 3 लेवल्स पे क्या कहा गया कि आपने रीऑर्डर लेवल 3 आपको ऑप्शंस दी गई थी और उसमें आपको कहा गया था कि आपने इन तीनों में से कोई एक सिलेक्ट करना है, राइट। इधर भी आपको 3 लेवल्स का कहा जा रहा है। रीऑर्डर लेवल आपका क्या, और रीऑर्डर लेवल वो कह रहा है कि पहले आपने रीऑर्डर लेवल एट 1000 यूनिट्स के हिसाब से आपने टोटल कैरिंग कॉस्ट ऑफ सेफ्टी स्टॉक और टोटल स्टॉकआउट कॉस्ट निकालनी है। फिर आपने 450 यूनिट्स पे, इन दोनों में तो कोई मसला नहीं है ना, उनमें अभी बस। फिर तीसरा जो आपको रीऑर्डर लेवल बता रहा है ना, वो आपको यूनिट्स में नहीं बता रहा, वो कह रहा है कि अगर हम अपना रीऑर्डर लेवल कितना रखें एक्सपेक्टेड डिमांड ड्यूरिंग लीड टाइम, यानी के एवरेज कंजम्पशन ड्यूरिंग लीड टाइम, अगर हम अपनी एवरेज कंजम्पशन ड्यूरिंग लीड टाइम के इक्वल रीऑर्डर लेवल रखें तो फिर हमारे पास टोटल कॉस्ट कितनी आएगी। सिंपल एज दैट। अब बात समझ आई? अब आप क्या करेंगे, अब आपको पता है कि जी डिमांड में अनसर्टेनिटी है ना, एवरेज कंजम्पशन एंड लीड टाइम, एक्सपेक्टेड कंजम्पशन एंड लीड टाइम आप किस तरह से निकालेंगे, एक्सपेक्टेड डिमांड इन लीड टाइम, यही मांग रहा है ना हमें बेसिकली। पहले पता तो चले कि ये यूनिट्स हैं कितने, तो एक्सपेक्टेड डिमांड इन लीड टाइम क्या है, मैं ऊपर लिखवा चुकी हूँ, जो एवरेज कंजम्पशन इन लीड टाइम है, बेसिकली इट्स द सेम थिंग, है ना। एवरेज कंजम्पशन एंड लीड टाइम या एक्सपेक्टेड डिमांड एंड लीड टाइम के लिए आपको क्या चाहिए, एवरेज डिमांड मल्टीप्लाइड बाय एवरेज लीड टाइम, यस। अब यहाँ पे एक चीज तो सर्टन है, क्या चीज सर्टन है, यहाँ पे लीड टाइम इज सर्टन, यहाँ पे लीड टाइम के लिए जो एवरेज लीड टाइम है वो हम 1 मंथ रखेंगे, यस और नो। लेकिन जब हम डिमांड पर आते हैं तो वो हमें 3 दी हुई है, तो हम एवरेजिंग आउट करेंगे। अब बात समझ आई? तो एवरेज डिमांड कितनी निकलेगी आपकी, 1000 यूनिट्स की आप एक्सपेक्टेड वैल्यू बेसिकली निकालेंगे ना। एवरेज डिमांड इस फॉर्मूले के लिए आपको फिर कितना चाहिए, आप कहेंगे 1000 यूनिट्स की कंजम्पशन होगी इस एक महीने में, उसकी प्रोबेबिलिटी है 30%, यस। तो आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 30% से, प्लस एक्सपेक्टेड वैल्यू का टोटल निकालना है, 660 मल्टीप्लाइड बाय 50%। ये लें जी, मैंने आपको सवाल ही करवा दिया, बल्कि मेन चीज तो यही थी, ठीक है। 660 मल्टीप्लाइड बाय 30%, और आखिरी हमारा लीड टाइम कितना था, 450 मल्टीप्लाइड बाय 20%, ये 50%। जी तो मेरे पास कितनी निकल रही है, मेरे पास 720 यूनिट्स निकलते हैं, ये मेरी एवरेज कंजम्पशन है ड्यूरिंग लीड टाइम। तो तीसरा रीऑर्डर लेवल वो क्या बेसिकली कह रहा है, तीसरा रीऑर्डर लेवल आपको कह रहा है कि अगर मेरा रीऑर्डर लेवल होता 720 यूनिट, तो मैं हबीबा ये बात है बस। मौजम अवान, आई एम अज्यूमिंग कि आपने ये कैलकुलेशन सही की है, ठीक है, जो भी आंसर है 720 है तो 720 आई एम अज्यूमिंग इट्स करेक्ट, ठीक है। तो एवरेज डिमांड के इक्वल अगर रीऑर्डर लेवल हम करते चलें जी, ठीक है जी। और इसके अलावा कोई सवाल? ऑब्वियसली बात है, चीजें पहली दफा पढ़ने, जो भी सब्जेक्ट पहली दफा पढ़ते हैं तो उसमें प्रॉब्लम तो होता है, मैंने आपको इसीलिए पहले कह दिया। हमजा इमरान साहब, अगर आप अभी ऑनलाइन हैं तो थोड़ा सा तसल्ली रखें, थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, उसके बगैर कोई काम नहीं होने वाला। इफ यू एक्सपेक्ट कि जी लेक्चर हम लेंगे और जो है वो हमें फौरन से समझ में आ जाएगा, हो सकता है कोई तो बाकमाल टीचर हो, मैं तो एक एवरीसी टीचर हूँ, ठीक है, तो मैं अपनी तरफ से जिस तरह से भी पढ़ाती हूँ, हो सकता है स्टूडेंट्स को फौरन से समझ में ना आए, अपनी तरफ से तो मेरी फुल कोशिश होती है, राइट। तो ऑब्वियसली बात है, पहला सब्जेक्ट है, यू नीड टू मेक रूम फॉर दैट इज वेल, ठीक है। 714 है मौजम, ठीक है, 714 नॉट 720 और व्हाटएवर यू जस्ट टोल्ड मी, ठीक है। तो वो आपने कैलकुलेशन प्रॉपर करनी है, यहाँ से तो कॉपी करना नहीं है। तो मैं जरा दोबारा से आप लोगों को इस बात को इन्फोर्स कर दूं कि दिस इज द फर्स्ट टाइम यू आर स्टडिंग कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, दिस इज द फर्स्ट टाइम यू आर गोइंग थ्रू द कॉन्सेप्ट्स ऑफ डिसीजन मेकिंग, डेफिनेटली यू विल हैव प्रॉब्लम्स, डिफरेंट बहुत सारे सिनेरियोज इन्वॉल्व होते हैं एक चैप्टर के अंदर, हमने बहुत सारे सिनेरियोज देख लिए हैं। तो चीजों को कनेक्ट करना, हर चीज में जरूरी नहीं है कि कनेक्शन हो, है ना। जिस तरह जो हमने स्टॉकआउट का काम किया, इसमें पिछली वर्किंग्स हाँ इन्वॉल्व हो रही हैं, अंडरस्टैंडिंग पिछली सारी इन्वॉल्व हो रही है, लेकिन इसका ताल्लुक ट्रेड डिस्काउंट से ऐसा अभी तक हमने कोई देखा नहीं और करना भी नहीं है।
फालतू में कनेक्शन नहीं बनाने, जिस तरह से आपको क्लास में पढ़ाया गया उसी तरह से रखें, एंड गिव योर सेल्फ सम स्पेस. समझना हो सकता है दूसरी तीसरी दफा समझ में आए, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है. मुझे नहीं समझ आ रही इसमें अभी से किस चीज की आप लोग टेंशन ले रहे हो. प्रैक्टिस करोगे, होम असाइनमेंट्स करोगे, टेस्ट अटेम्प्ट करोगे, थोड़ा सा अलग से पढ़ोगे खुद से, फिर समझ में आएगी ना बात. ठीक है, इस तरह तो फिर होता है कि नहीं जी लेक्चर्स आर इनफ फॉर पासिंग योर पेपर. नो इट्स नॉट, यू नीड टू वर्क हार्ड ऑन योर ओन एज वेल एंड आस्क मी वट एवर क्वेश्चन यू हैव टाइम बाय टाइम फॉरन फॉरन. तो थोड़ी रिलैक्सेशन रखे, फॉरन से इतना भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं. अभी तो मटेरियल्स का चैप्टर है, आगे तो बहुत कॉम्प्लिकेशंस आनी है. ये तो बहुत सबसे आसान चैप्टर था ये. आगे हमने ओवरहेड में एलोकेशन पढ़नी है, उसके बाद लेबर में हमने लर्निंग कर्व के बारे में पढ़ना है, तो उसमें फिर क्या करेंगे आप लोग. डिसीजन मेकिंग है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है, जो मुझे भी जहर तरीन लगता है, लेकिन शुक्र है सिर्फ इंट्रोडक्शन है इसमें सीमैक में, वरना मैं सीमैक का भी लेती ना. फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स इज वन टॉपिक, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो मुझे बहुत बुरा लगता है. जब मैंने इसको प्रैक्टिकली ऑडिट में किया था फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को, तब मुझे इसकी थोड़ी समझ आई थी और फिर भूल गई हूँ मैं. मतलब इन द सेंस के भूलना, इन द सेंस के क्या किया था उस टाइम पे, बहुत ही अजीब सा. चलें जी, दैट्स इट. थैंक यू सो मच मोहम्मद शाहरुख. और एग्जैक्टली 11:40 पे मैं आप लोगों से इजाजत चाहूंगी. इंशाल्लाह मंडे को मिलते हैं.